चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। एक बार तो इतनी बार क्लास में मुझे क्लास में नींद आई, मैंने हाँ मुझे कैंसिल ही करनी पड़ी वो कब, दिसंबर की बात। अब हाँ जी ये काजोल जी, आप कितनी बार म्यूट कर रहा हूँ, बार बार अनम्यूट हो जा रही हो, क्यों क्या करना है। चलिए आप सपोज नीना जी भी को मैं कितनी बार सब क्यों अनम्यूट हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को किस लिए। देखो फिर हो गए, रेखा जी भी हो गई, क्यों क्या करना है, लिखना है ना आपको। हाँ जी यहाँ पर अनम्यूट के बाद अनम्यूट यहाँ पर आता है, म्यूट बोल के वो आता है, वहां पर क्लिक करना है आपको। हाँ जी चलिए, आप सपोज कोई 4 और 5 है, 4 5 है तो क्या होगा, 4 5 है तो वो बंदा प्लानिंग भी करेगा, रिस्क मिटिगेशन भी करेगा। प्लानिंग भी करेगा और रिस्क मिटिगेशन, मतलब रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम को उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दे। सोचेगा ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है फिर, हाँ कोई काम को देरी हो रही है जल्दी से खत्म कर दे ताकि आधा काम उसको दे दे, वो है वो रिस्क मिटिगेशन कहते हैं। देख लेना रिस्क मिटिगेशन का क्या होता है। हाँ जी वो रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं। फोर फाइव सिक्स सॉरी 4 5 है तो ऐसे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आचार संहिता। अभी आचार संहिता लगी थी ना किस पे, पॉलिटिशियन पे, वो आचार संहिता को रूल को ब्रेक करेंगे, रूल्स ब्रेकर बोलते हैं, रूल्स ब्रेक करेंगे उसे। नेक्स्ट 4 5 है तो ऐसे लोग प्लानिंग तो करेंगे, प्लानिंग में लिमिटेड प्लानिंग होगी, लिमिट मतलब हाँ जितना समझ में आया उतना ही प्लानिंग करेंगे, इसको उसको पूछ कर प्लानिंग नहीं करेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे लोग अपनी लिमिट से ज्यादा सोच ही नहीं पाएंगे, अपनी लिमिट से ज्यादा सोच ही नहीं पाएंगे प्लानिंग करते समय। फाइव और सिक्स है तो ये प्लानिंग या जो भी प्रिपरेशन करना है, ऐसे लोग कट पेस्ट कॉपी करते हैं। कट पेस्ट कॉपी मालूम है ना, किसी और का देख लिया उसको उसको मोल्डिंग का, उसको देखो कॉपी तो हर जगह होती है बट अपने हिसाब से उसे थोड़ा सा मोल्डिंग करनी पड़ती है, अपने हिसाब से उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो जिसके पास 5 6 है प्लानिंग तो करेंगे, वो लोगों की कॉपी कर लें। अच्छा ये इसकी है तो अच्छा कर लो, अरे बाबा प्लानिंग उसकी थी, उसके सिस्टम था, उसका आइडिया था, वो अलग है वो अलग है। सपोज एग्जाम्पल एग्जाम्पल के बोलो, आलू पराठा बनाने का तरीका, और क्या किया मैंने, सपोज किसी मेरे पास 5 6 समझो, मैंने क्या किया मंजू, एक एक का नाम क्या पता नहीं, एक ये होता है कि कभी कभी नाम ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन
हाँ जी, अब ये क्या क्या किया, आलू पराठा बना दिया, मैंने मेथी पराठा भी आके वैसे ही बना दिया, ऐसा होगा क्या, चलेगा क्या? आलू पराठा में अलग अलग प्रोसीजर है और मेथी पराठा का प्रोसीजर अलग है। मेथी पराठा बेसन जवारी सब गिरेगा, आलू पराठा में कहाँ गिरेगा? ओके, तो वैसे कॉपी कर ले, देखते हैं और लोगों को देखे कॉपी कर ले, तो क्या हुआ, आंसर सक्सेसफुल होंगे अनसक्सेसफुल होंगे? अनसक्सेसफुल हो गए, रोटी बनेगा वो तो ना मेथी पराठा बनेगा ना आलू पराठा बनेगा, तो मतलब समझना गया, वैसा करिए, कॉपी पेस्ट करते हैं, सोच समझकर विचार कर कोई भी चीज को स्टार्ट नहीं करते, सोच समझकर स्टार्ट नहीं करते हैं। सोच समझकर स्टार्ट नहीं करते हैं, सपोज अब सपोज समझना, ये बहुत बिहेवियर पैटर्न के लिए बहुत अच्छा है समझने के लिए। अब 4, 5 और 6 है, 5 4 नहीं है, 4 क्या माइंड है ना, 4 क्या माइंड है, तो वो माइंड लगा नहीं पाएगा, अपना नहीं लगा तो किसी और का कॉपी कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, बंदा खत्म। 5 और 4 सॉरी 6 और 4, अब 5 क्या है बोलो, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, सेंटेंस बना के बोल रहा हूँ सभी आपको, कोई कोई वो नहीं है नोट्स। ओके, तो जो 6 और 4 रहा, या 4 और 6 रहा, जैसे उल्टा बोलने से थोड़ा सा, 4 और 6 है, 5 नहीं है। 5 का मतलब क्या है, स्मार्टनेस, समय के साथ चलना, समय के साथ चेंज होना। ओके, और अपनी जरूरत है तो कहीं भी पैर पड़ लेना और काम करवा लेना, स्मार्टनेस होती है। अब 5 नहीं तो प्लानिंग कैसे, इनपुट कैसे करेगा, प्रिपरेशन कैसे करेगा, कैसे करेगा, उसमें स्मार्टनेस नहीं रहेगा, उसके इनपुट या प्लानिंग में, इनपुट या प्लानिंग जो भी बोलो, उसमें स्मार्टनेस नहीं रहेगा। यानी स्मार्टनेस यानी समय के साथ जो प्लानिंग करनी है। अब कौन, रेखा ने अपने बेटे को बोला कि एक सपोज किसी ने बोल दिया जाके फोन बूथ, वो टेलीफोन वाला होता था ना पहले, वो बूथ खोल ले, हो जाएगा क्या, आज आज के जमाने में जरूरत है क्या, कोई है क्या? सभी लोगों ने उस टाइम पे, हम जाते थे ना, ऑलमोस्ट सभी लोग जाते थे, मैं भी जाता था, उस टाइम फोन का वो ही था ही नहीं, तो बूथ में जाके फोन करते थे, फिर कॉइन का बॉक्स आया, कॉइन में शुरू किया। ओके, फिर बाद में वो हो गया तो घर में ले लिए, फिर मोबाइल आया, मोबाइल ले लिए, मगर आज भी पुरानी चीजों से या पुरानी मेथड से काम करेंगे, समय के साथ नहीं चलते हैं ऐसे लोग, समय के साथ नहीं चलते हैं, जो भी काम करेंगे दादी माँ के क्या करेंगे, दादी माँ के जमा पश्चिम नहीं, वो दा क्या बोलते हैं उसको, पुराने जमाने के विचार के रहते हैं ना, वो ऐसा रहेंगे, तो जो भी प्लानिंग करेंगे वो समय के साथ नहीं करेंगे, इसीलिए वो भी अनसक्सेसफुल होते हैं। हाँ जी, एक ही जी, क्या पूरा नाम क्या है आपका? हाँ जी, एडमिट कर लीजिए। मेरा नाम अश्विन है सर, एक ही क्यों लगा के आती क्योंकि फुल नेम से मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, जब से मैंने ये यूज किया है तो मेरी लर्निंग्स अच्छी हो गई, क्योंकि 3 नंबर मिसिंग है मेरे चार्ट में। थोड़ा अच्छा, नोबल जानती हो तो बहुत बहुत है सर, यूट्यूब से सीखा था तो रखा, तो उससे बाद मुझे ना हमें लर्निंग्स हमें मेरी हमें स्पीकर हमें ढूंढने में हमें कठिन भी हो गई। हमें भी बता दीजिए कौन से यूट्यूब ऐसी सकते यही सीखा सर जो यूट्यूब से आता है, तभी तो आपसे मिली। हैं। नहीं,
YouTube से सीख सकते हो तो बता दो, इतने सभी लोग या तीन तीन नाम घंटे बैठेंगे नहीं। पे बेसिक फोटो है दिखाया सर, आपको, लोशो ग्रिड का जो बेसिक सिर्फ था। क्या आपको परेशानी ना हो? ना ना हाँ जी हाँ जी। अब फाइव जो है वो बैलेंस का नंबर, उसके प्लानिंग में कैसा रहेगा? इम्बैलेंस रहेगी प्लानिंग, अप टू डेट नहीं रहेगी उसकी प्लानिंग। उसकी प्लानिंग अप टू डेट नहीं रहेगी, कोई राजयोग का मतलब ही नहीं, मानता ही नहीं मैं राजयोग। कार्मिक नंबर को भी कम ही मानता हूँ, बट कई बार देखा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं उसको भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बट निकल नहीं, मेरा मन नहीं करता ही कार्मिक का कोई नंबर नहीं, बट एटलीस्ट उसके प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए मैं उसको कंसिडर कर। हाँ जी, अभी जो अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, ग्रीडी चेंज कर रहा हूँ, ग्रीडी चेंज कर रहा हूँ। ये लोशो ग्रीडी यूज ही जरूरत ही क्या है, हमारा लक्ष्मी यंत्र यूज करेंगे जो हमारे से पहले ये एक्चुअली क्या है, लक्ष्मी यंत्रा था पहले, वो लक्ष्मी यंत्रा क्या और चाइना जाकर क्या क्या उन्होंने अपने हिसाब से मोल्डिंग कर ली, सोचना, उन्होंने अपने हिसाब से मोल्डिंग कर ली और उसको क्या किया, लोशो ग्रीड बना दिया, स्टोरी बनाकर उसको। वो जो केचवा था, वो केचवा क्या होता, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज गया था उसपे देखे थे, कहाँ की स्टोरी बताते हो, कहाँ प्रोफेसर माहिर हो और बताते हो स्टोरी, नहीं होती है। क्योंकि वो मैं प्रूफ दे सकता हूँ, हमारे मंदिरों में है ये लोशो ग्रीड, वो उसी के नाम पे गणेश यंत्रा या फिर लक्ष्मी यंत्रा। हाँ जी, मंदिर कौन सा मंदिर है ये भी बता सकता हूँ, वो भी कब का है, वो 2000 साल पुराना मंदिर, उसमें दीवारों पे लिखा हुआ है। हम पता है, आप दीपावली के दिन वो बहुत जगह पे अपन यंत्र होते हैं पता है, तो जो पूजा की थाली होती है उसके पीछे कुछ नंबर डालते हैं, तो आप लोग यहाँ, हम तो डालना भूल ही गए, मम्मी डालती थी, तो क्या है बोल तो वो यंत्र डाल रहे हैं, यंत्र है। अभी जैसे एग्जाम्पल, जैन लोगों में पटियों दिगंबर में पूजा होती है, तो पाटे पे क्या करते हैं, वो यंत्र डालते हैं पूरा, वो पर्टिकुलरली वो 10 लक्षण के लास्ट दिन डालते हैं, वो भी यंत्र है। हाँ, उसका नाम भूल गया अभी मैं बोलता हूँ, अभी अर्थ में मंडल, वही मंडल वास्तु में यूज कर, वही यंत्रा के रूप में यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कोई डिफरेंस नहीं। चलो, अब रहा कौन सा, रहा अभी पांच मिसिंग था, 5-4 हो गया, 6-4 हो गया, और रहा अभी 4, खाली 4 है। शालिनी करती है क्या कभी भी, खाली पेपर पे घिसते रहती हो कभी कभी? नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, खाली प्लानिंग पेपर पे करते रहते हैं। अच्छा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं कर। ओके, तो मतलब ये है कि खाली 4 नंबर है, तो खाली प्लानिंग ही करती रहेंगे और खाली पेपर घसते रहेंगे, एक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, खाली दिमागी क्या बोलते हैं, दिमागी अचार क्या बोलते हैं, दिमागी पुलाव, सिर्फ दिमागी पुलाव ही रहेगा। ओके, तो 4 मतलब है कि अब सपोज हीना के पास 4 है, समझो खाली 5-6 नहीं है, तो हीना क्या करेंगे, अच्छा कल क्या बनाऊं जी, अच्छा बच्चे क्या बनाऊं, अच्छा ये बना लूं क्या, अब हस्बैंड ने बनाना तो इडली बना ले, अच्छा इडली नहीं तो ये क्या बना लो, ये क्या बोलते बनाना नहीं है, खाली उस पर चर्चा करना, चाय पे चर्चा की तरह। 4 नंबर वाले खाली प्लानिंग ही करते रहेंगे, खाली डिस्कशन करेंगे प्लानिंग पर, वो लोग पूरी प्लानिंग नहीं कर पाते, इम्बैलेंस प्लानिंग होती है, मतलब खाली लिख लेना दिमागी ब्लॉक। खाली मुंगेरी लाल के अनोखे सपने, वो होता था पुरानी, वो हीरो बस ऐसा सोया, उसके हीरोइन आ गई, वो हिमालय चले गया, हिमालय में डांस आ गया, एक गाना भी हो गया और आ गया, और लग रहा कि उसको बस वो सब, वो ख्याली पुलाव बोलते ना, वो 4 नंबर बात, सिर्फ ख्याली ख्याल में रहे। 5 नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं, प्लानिंग तो नहीं करेंगे
प्लानिंग करने में वीक होते हैं। कोई बोल सकता क्या हो सकता है? पांच है, एक ही को छोड़ के, जो ऑलरेडी नंबर जानती हैं। हाँ जी, खाली पांच रहा तो क्या होगा? लिख लीजिए, पांच है तो हेड ऑफ प्लानिंग करते हैं। हेड ऑफ प्लानिंग मतलब आप, नीता के घर में चार मेहमान आ गए, चार आए अभी, खाना बनाना है शाम का, दन 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 कुछ जो भी था वो बना के दे दी, सर्व कर दिया। होता है ना कभी, कई बार होता है ना, अपने पास घर में कुछ सामान नहीं होते, बट बना के हम सर्व कर देते हैं, उतना टाइम भी नहीं है, उनको जाना भी है, बोले जो है रोटी बना दी, दाल बना दी, जो सब्जी थी मिर्ची का सब कुछ, बस एग्जाम बता, जो उस टाइम पे जो स्थिति में रहेंगे वो स्थिति में करके दे देंगे, उसे कहते हैं हेड ऑफ प्लानिंग, उसे कहते हैं हेड ऑफ, HADOCH, हेड ऑफ प्लानिंग। ऐसे लोग हेड ऑफ प्लानिंग करते हैं। हेड ऑफ प्लानिंग मतलब जल्दी जल्दी उठा, जल्दी ये कर दिया, और हेड ऑफ प्लानिंग का बोल रहे हैं। बच्चे कैसे होते मालूम है, 8 बजे उठते हैं, 2 मिनट दन दन गया बाथरूम, सुबह सुबह 2 दिन में नहाया और 5 मिनट में कपड़े पहने, दन दन बैग लिया भाग गया, ये बच्चे करते हैं ना, उसे हेड ऑफ बोलते हैं। वो पांच नंबर है, नहीं बता रहा हूँ ऐसा, हो सकता दूसरे नंबर भी हो, पर पांच नंबर वाले ऐसे करते हैं। बस सक्सेस तो होते हैं, प्लानिंग करते हैं, अनप्लान्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं। एंड अनप्लान मतलब कोई दिमाग ही नहीं, बस जब समय आया जब कर दिया, उठा जब 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 मुर्गा जब अब उसी मन में करा कर दिया, मतलब जब मुर्गा बाजा वो सवेरा हुआ, वैसे जब इनको मन किया प्लानिंग कर दिया कर दिया, बट सक्सेसफुल होती, बट दे आर 5 नंबर जो सक्सेसफुल। 6 नंबर, ओके अब 6 नंबर किसके पास है? खाली 6 नंबर किसी के पास नहीं है। ओके अब लीना ऐसा करती होगी शायद, बोल रहे मेरे हैं पास सब मेरे हाँ जी है क्या, खाली 6 नंबर। पास भाग्यांक के थ्रू है। हाँ वो किससे भी आया, 6 नंबर वाले कैसे करते हैं बताता हूँ, लिख लीजिए पहले। ऐसे लोग सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सिस्टम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिस्टम को, रूल्स रेगुलेशन को, प्रोसीजर को, सिद्धांत को, पॉलिसीज, यदि ऑफिसेस में है तो पॉलिसीज को बहुत इम्पोर्ट, प्रोसीजर्स को इम्पोर्टेंस देंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्पोर्टेंस देंगे, ऐसे। अब सपोज किसी पास 6 नंबर है, वो काम, वो खाना बनाना चाहती है सपोज, अच्छा इसकी अब किसी से बात कर रही है, खाना तो नहीं बनाएगी, अच्छा ये बता कि सब्जी कैसे काटनी है, छोटी काटनी बड़ी काटनी है, सपोज सपोज समझो 3 डे की सब्जी बनानी नहीं आती, ओके अब 3 डे बताया ना आपको, 3 डे बताया ना, जो अभी नॉर्थ में मिलता है वो ग्रीन सा, वो 3 डे की सब्जी बनानी है, और उसे अपने फ्रेंड को पूछिए अच्छा कैसे बनानी है, अच्छा छिलका निकालना है नहीं निकालने का है, अच्छा छोटे लाऊं बड़े लाऊं, अच्छा उसमें कौले होंगे नहीं होंगे, अच्छा लाके कैसे करना है, छिलके निकालना है नहीं निकालना, अच्छा धोना भी है क्या इसको, ये भी पूछ देंगे, ओके फिर छिलके निकालो नहीं निकालो, और छिलके निकालने के बाद अच्छा अब बोले काट लेना, काट उसको छोटे छोटे टुकड़े कर, कितने छोटे करना है, अब उसमें वो फ्रेंड बोलेगी कि सपोज इसमें बीज भी होते हैं, बीज भी निकालना है बड़े बड़े, अच्छा छोटे भी निकाल दो क्या, अच्छा फिर निकाल दो, अच्छा काट दो, अच्छा फिर अब क्या करना है, अच्छा इसको बोलेगी पानी में भी डाल देना है क्या, जैसे बैंगन को डालते हैं, इतने सवाल करते हैं। अब मसाला कब डालना है, कितना तेल डालना है, अरे भाई तेल जितना डाल डाल दो ना, नहीं कितना डालना है, अच्छा पाव किलो में 2 चम्मच डालने हैं 3 चम्मच डालने हैं,
अच्छा 2 चम्मच डालें। अच्छा मूंगफली का तेल डालू या तिल्ली का डालू, कौन सा तेल डालू? इतने सवाल करेंगे जैसे जैसे करती लीना जी। हाँ जी लीना जी पूछते हैं, चलो सॉरी सॉरी एडमिट करेंगे जी, सब माइन्यूट बत्ती। डिटेल जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। हाँ डिटेलिंग इसे बोलते हैं, डिटेल जानने की इच्छा हो तो एग्जाम्पल दिया, खाना ही बनाने बस जनरली बहुत या डिटेलिंग करते हैं, इसे लोग बहुत डिटेलिंग करते हैं। और विकास जी का क्या है हाल, क्या है डिटेलिंग करते हो? जी मेरा भी ऐसे ही है, डिटेलिंग डिटेल बहुत ज्यादा। उसे कहते हैं डिटेलिंग। एक के बाद क्या, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा कितनी देर लगाने हैं, अच्छा कुकर में लगाऊं या कढ़ाई में लगाऊं? अरे लगा लेना बाबा, मेरे जैसे साथ में तो बंद ही कर देगा वो क्या करेगा, कट कर देगा तेरी जो जैसे बनाना बना ले। क्यों 9 नंबर वाले को इतने क्वेश्चन कर समझो, वो इरिटेटिंग हो जाता। हाँ 9 नंबर वाले को टू द पॉइंट, 1 2 3 4, अच्छा लाले काटले सब होता है, कर 3 स्टेप में बोल देगा वो, उतना डिटेलिंग करेगा तो पागल को नहीं, वो फोन ही रख देगा। वो कल था ना वो नीरव था ना, अभी जी बैच में है ना नीरव, जी जी उसने फोन किया क्लास के बाद, वो जो मैंने बोला था ना क्वेश्चन बाद में पूछ लेना फोन करके, याद है फोन किया मेरे को, अब इतनी डिटेलिंग कर रहा है, मैंने बोला बाद में बात कर लेता हूँ फिर। समझ में आया, उतनी डिटेलिंग नहीं कर सकता 9 नंबर, पर 6 नंबर वाले को ऐसा होता है, ये नंबर का खेल है। ओके अब 6 नंबर का डिटेलिंग जाएगा, बहुत अच्छी बात है, एक जगह देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर गलत है। आप सपोज कोई कोई काम करना, बहुत डिटेलिंग माइन्यूट लेवल पे लिखा ले जाना अपने को, तो बंदा बहुत अच्छा काम करेगा वहां पर। ओके सपोज मार्केट में जाना है, खरीदना है, बहुत सारा स्टॉक खरीदना है, 10 साड़ी खरीदनी है समझो, शादी के लिए 15 साड़ी, 15 20 50 साड़ी से खरीदनी है, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा है 10 दुकान ढूंढ के सस्ता लेके आएगा या अच्छी से अच्छी लेके आएगा, वहां अच्छा है, बट एक प्रोफेशन भी अच्छा है, बट उसको वो काम मिले, डिटेलिंग वाला काम मिले। ओके नाउ नेक्स्ट है, 5 सॉरी 4 5 6 मिसिंग है, तो सीधा बोलू 4 5 6 मिसिंग है तो कैसे होते मालूम है? कभी बंदर को स, स, काटते हुए देखा? अच्छा ये देखो चलो 4 5 6 सॉरी 4 5 6 है नहीं है तो डॉगी को देखा भागते हुए कभी कभी? मैं डॉगी को देखता हूँ कैसे फाड़ता है, किसी के घर में डॉगी है देखना कैसे फाड़ता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते फाड़ने में, उसे जो मिला वैसा फाड़ता है, छोटा छोटा पीस या बड़ा पीस, मतलब क्या है, पूरा अनऑर्गेनाइज अनप्लान्ड एक्टिविटी रहेंगे, अनप्लान्ड एक्टिविटी, बंदर तो भी कम से प्रॉपर तोड़ता है पर डॉगी जो है वो प्रॉपर तोड़ता नहीं, बस खींचे 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 खींचे, वो ऐसा होता है ये 4 5 6 अनप्लान्ड एक्टिविटी, कोई तैयारी नहीं करेंगे ऐसे लोग। ऐसे लोग जैसे आप लोग बैठे हो क्लास से पहले तैयारी करके बैठे हो ना, मैं भी तो तैयारी करके बैठा हूँ, तो मतलब है तैयार करके बैठेंगे, जैसे पहले देख लेता हूँ कि 1 बजे की पूरा सिस्टम रेडी है नहीं है, क्लास के 1 घंटे पहले मैं सब सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ, तो सिस्टम रेडी है ही नहीं है, सिस्टम अनप्लान्ड एक्टिविटी करेंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, कोई क्या बोलते हैं अप टू डेट नहीं रहेंगे, ऐसे लोग अप टू डेट नहीं रहेंगे, रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल होंगे तकलीफ होगी, सक्सेसफुल तो हर आदमी का तो मतलब चारने बंदर को 12 आने की रस्सी लगानी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग कर ले तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग कर ले तो क्या हो जाएगा, आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, अनप्लान्ड एक्टिविटी, अनप्लान्ड एक्टिविटी बस एक ही चीज है, जंगल राज, जंगल राज मतलब मर्जी जैसी है उसकी वैसे,
कोई सिस्टम नहीं, कोई रूल्स लिखने में कोई प्लानिंग नहीं, कोई समय का पाबंदी नहीं है। मतलब इसको दिमाग में रात को 12 बजे आया समझो काम करने का, काम को शुरू कर देगा भाई 5 बजे मेल भेज रहा, कौन देखेगा मफाल 5 बजे मेल, नहीं हो। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल से। नेक्स्ट 2 5 8 हो तो, और 4 5 6 मिसिंग है तो गोल रख ही नहीं सकते जिंदगी में, गोल रख ही नहीं सकते, गोल ओरिएंटेड हो ही नहीं सकते। जो 5 6 4 5 6 जिसके पास है वो गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेड होते हैं, गोल रखकर काम करते हैं। 2 5 8 है तो ऐसे लोग जो अपने गोल्स रखते हैं या गोल सेट करते हैं वो पूरे तरीके से हासिल करते हैं, इनके रिजल्ट जो है वो टाइम बाउंड होते हैं। टाइम बाउंड मतलब जिसके पास भी 2 5 8 है, सपोज उसे 7:30 बजे खाना देना है बच्चों को देकर और हस्बैंड को देकर पैकिंग कर दे, वो 7:30 तक कर देगी, 7:25 के कर देगी, रेडीमेड कर दे, रेडी कर दे, बोले कि आप लोगों की देरी है, मेरा तो खाना रेडी हो गया, डब्बे भी पैक हो गए हैं। समझा, वो होता है मतलब जो सेट किया गोल सब प्राप्त करेंगे। सपोज न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो टाइम फ्रेम में सीखेंगे, कुछ लोग होते हैं आराम से मेरी पेड पेड क्लासेस में है। ओके, अभी तक ऐप को खोल के भी नहीं देखा, इससे भी लोग थी 8 से 10, मतलब उनको आज नहीं तो कल है ना, ऐप है ना, मतलब ऐसा है पोस्टपोन करते रहेंगे। मगर ऐसे लोग जो जो 2 5 8 होंगे ये कभी कोई चीज को पोस्टपोन नहीं करेंगे, जो सोचा है वो प्राप्त करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 2 5, दो पांच आठ में अपने होने वाले रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये स्टोरी सभी ने सुना होगा शायद, कई लोगों ने, वो है ना क्या नाम उसका, मैंने भी पढ़ी थी किताब, रिजल्ट आने से पहले ही ऐसे लोग प्रिडिक्ट कर लेते मेरा रिजल्ट क्या आने वाला। मतलब बुद्धे एक्सपर्ट होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते, बेस्ट एग्जाम्पल है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या है, इलेक्शन के वोटिंग के पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर देते हैं ऐसे होता है, उसमें लिख लीजिए एग्जिट पोल की तो एग्जाम्पल, उतना प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यस, आप किसी का एग्जिट पोल गलत जाएगा, किसी का राइट जाएगा, वो अलग है। नेक्स्ट है खाली 2 5, 2 5 है तो ऐसे लोग जो अपने गोल रखे हैं उस पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब गोल तो सेट कर दिया, जो आउटपुट आना है, क्योंकि आउटपुट का प्लेन है ना, जो आउटपुट आना है, जो रिजल्ट आना है, जो रिजल्ट आपने पहले सोचा था वो रिजल्ट पे फोकस ही नहीं होता है। मतलब दिन आने सुबह 8 बजे खाना बना के देना है, सब कुछ कर दिया, बीच में फोन आया उस पे रिजल्ट ही नहीं है, फोन पे बात करते रह रही और बच्चे कहे कि मम्मी टिफिन टिफिन टिफिन, अरे रुक भी देरी देरी तो लेट हो गई, ऑटो आ गया, ऑटो आते जल्दी जल्दी बनाई और डब्बे में पैक करी और जाके जल्दी स्टेप से उतर के ऑटो में देरी, ऑटो भी स्टार्ट हो गया, ले 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 ले, होता है ऐसा, कई लोग करते हैं ना करते नहीं करते, मतलब रेखा जी मान ली मेरी बात को नहीं होते, नहीं होते ऐसे लोग, होते हैं ना, तो मतलब वैसे होते हैं ये लोग, अपने रिजल्ट क्या देना है पता ही नहीं, इनको फोकस ही नहीं है। 8 नहीं मतलब 2 5 हो तो रिजल्ट में ऐसा करते हैं, या जो सोचे हुए रिजल्ट कभी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। 8 का मतलब फोकस, मतलब जो सेट किया हुआ है।
नंबर की जो भाषा है हर समय चेंज होती है, केस टू केस भी चेंज हो जाता है। दो और पांच हो तो जो सेट किए गोल्स को नहीं प्राप्त। नेक्स्ट है पांच और आठ, पांच और आठ है तो ऐसे लोग अपने दो सॉरी पांच और आठ है तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल डिस्टरबेंस होते हैं अपने गोल्स को लेकर, अपने गोल के रिजल्ट को लेकर, गोल्स के रिजल्ट को लेकर इमोशनल डिस्टरबेंस होते हैं। अभी बच्चों का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, क्या होते हैं बच्चे, कैसे होते हैं, कितने बेचैन होते हैं पता है आपको, 1 महीना 1.5 महीना सबको पता है ना, 1 महीना 1.5 महीना कैसे टाइम निकालते हैं, याद किसको याद है, जो एग्जाम देने के बाद 2-3 दिन तो आराम से सोते हैं, 4 दिन, पर बाद में जो बेचैनी स्टार्ट होती है ना, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, क्या अच्छा ये आएगा, अच्छा इतने मार्क्स आएंगे, दिमाग में 24 घंटे वही मिलता है। और जब रिजल्ट आने का पता है कि 2 दिन और बचे हैं तो और बेचैनी बढ़ जाती है। ओके ऐसा लगता है बस अब जाके पेपर में देख ले या कोई नेट, आज के हिसाब से नेट में देख ले, पहले तो पेपर में आता था। तो उतना उतना इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाते हैं अपने रिजल्ट को लेकर। और एक यदि पांच और आठ है, दो मिसिंग है, तो उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसे लोग जो अंतर मन से इस चीज को जान ही नहीं सकते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है, इनका इंट्यूशन काम ही नहीं करेगा। जैसे हम एक कोई बिजनेसमैन है तो वो कर रहता है कि आज सबको एक टमाटे वाला है, ओके अब टमाटे कितने लाएगा वो, इस आज जहां पर सब्जी लगी है मंडी है तो क्या पूरा ट्रक एक ट्रक खरीद लेगा, उसे मालूम है इस जगह पर कितने टमाटे बिकते हैं, उतने लाता वो अंदाजा से, ट्रक ट्रक ले लेके आता है, मालूम है यहाँ पर 50 से 80 किलोमीटर टमाटर बिकते थे, उसी उसी रेंज में लाता है, 70 के रेंज में, क्यों उसे पता है कि कितना बिकता है। तो दो मिसिंग है तो वो नहीं कर पाएगा जो मैं भी बताया। नेक्स्ट है दो और आठ, दो और आठ का मतलब क्या है, दो और आठ का मतलब है हाँ पांच क्या मिसिंग है ना, पांच मतलब बैलेंसिंग करना, ड्यूअल ड्यूअलिटी होता है, इधर भी ओके। ऐसे लोग जो सेट करे हैं गोल्स वो प्राप्ति नहीं कर पाए, दो और आठ है तो उनके रिजल्ट जो होंगे, जो सेट किया है उसको प्राप्ति नहीं कर पाए, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, कभी जो सोचा है उससे ज्यादा मिल जाता है या जो सोचा है उससे कम मिल जाता है। मतलब सोच रहे थे 70% आ गए 90%, 85% आ गए, और सोचे 70 और आ गया 60%, मतलब जो रिजल्ट में इम्बैलेंस होता है ऐसे ऐसे लोग रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी लीना ने बना दिया चावल,
सडनली चावल गलती से क्या हुआ, चावल पानी ज्यादा चले गए, समझ ना इस चीज को, 5 नंबर मिसिंग है। तो अब चावल में पानी ज्यादा हो क्या करते हैं, ज्यादा हो क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे। अब कुकर में नहीं डाला, सपोज भोगने में डाल दिए, भोगने में बनाया, तो पानी ज्यादा क्या करेंगे, एक टाइम पे निकाल देंगे। इसके ये समझ में नहीं आएगा कि पानी कब निकालना है, तो क्या हो जाएगा, चावल या कच्चे तो भी रह जाएंगे या बहुत पक्के तो भी रह जाएंगे, नहीं तो लड्डू बन जाएंगे। उस सिचुएशन को भाप नहीं सकते हैं, 5 नंबर मिसिंग है। नेक्स्ट है 2, 5, 8 मिसिंग है। तो ऐसे लोगों को रिजल्ट्स लेने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोग जो अपने रिजल्ट चाह रहे थे, जो गोल सेट कर रहे थे, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, या प्राप्त करेंगे तो बहुत सरल करेंगे। 2, 5, 8 मिसिंग है। तो ऐसे लोग अपने गोल्स की प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब नैया में नैया डुबाने वाले होते हैं, काम तो बहुत करेंगे बट नैया डुबा देंगे। 2, 5 है तो इनके ऐसे लोगों के जीवन में ठहराव नहीं होता है। ठहराव को मालूम है, ठहराव का मतलब क्या है, ठहराव का मतलब ये है कि जीवन में स्थिरता, ऐसे लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं रहती। ऐसे लोगों के जीवन में अप्स एंड डाउन ज्यादा रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एंजाइटी, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग जीवन में अपनी पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अपनी बात, अपनी पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन नहीं कर पाते, कोई भी रिलेशनशिप हो, वाइफ एंड हस्बैंड हो, कोई भी रिलेशनशिप। ऐसे लोगों के जी ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि इन्हें क्या चाहिए लाइफ में, क्या आउटपुट देना है, आउटपुट मतलब रिजल्ट क्या देना है, इन्हें समझ में ही नहीं आएगा। ये अपने आप से डिविएट हो जाते हैं, काम तो करते हैं, ऐसा काम नहीं करते नहीं, भाई काम तो कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो ये फोकस होके पढ़ रहे हो ना, हम लोग रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाए, कुछ भी पढ़ने, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ने के लिए नॉलेज सब कुछ है, समझना, नॉलेज तो सब कुछ है। अब किसी को मर्डर करना भी एक नॉलेज है ना, अब मुझे विकास को मर्डर करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, एक किताब पढ़नी पड़ेगी, वो भी नॉलेज है ना। वो कौन सा नॉलेज है, वो डिस्ट्रक्टिव नॉलेज, वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव नॉलेज। तो ये लोग अनकंस्ट्रक्टिव नॉलेज को रिजल्ट ही नहीं ला पाते, तो वैसे वैसा होता है। चलिए हो गया पूरे प्लेन्स, केसेस पे काम कीजिए तभी जाकर आएगा। मैंने देख रहा हूं कि कई लोगों के केसेस ही नहीं आए, आज ही आए बस, सब किसी का केसेस पे काम ही नहीं। जब तक केस पे काम नहीं करोगे, और टेम्पलेट दिया, प्लीज यूज दैट टेम्पलेट ओनली, डोंट यूज एनीथिंग अदर देन दैट। क्योंकि इसमें ये रह गया कि अगर सिर्फ 5 नंबर है या 2 नंबर है तो वो गलत रह गया। हाँ जी, अगर सिर्फ 5 नंबर है, 2 8 मिस है और
क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा सर। सिंगल जी नंबर्स रह गए सर, जी सिंगल ओनली टू, ओनली फाइव, सिंगल नंबर रह सेवेंटी गया। जी अच्छा रह गए, ओके ओके सर। ओके, अच्छा, चलो ठीक, चलो खाली टू है, खाली टू है। हाँ जी खाली टू है। ऐसे लोग अपने रिजल्ट को लेकर इमोशनल डिस्टरबेंस होते हैं, मतलब काम तो कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, ये क्या है? ये दो का असर है, क्योंकि दो नंबर का प्रभाव है। बुढ़ापे में मेरा क्या हो जाएगा, हाँ मेरा क्या हो जाएगा, मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या हो जाएगा, इस लड़की के साथ शादी में तो मेरा क्या हो जाएगा। हाँ जी प्रधान जी, मैरिड हो आप? नहीं हो? हाँ दो अनमेरिड नंबर, हाँ दो नंबर तो नहीं है आपके अंदर, मिसिंग है। अच्छा मिसिंग है। खाली दो नंबर होता तो मेरी शादी कब होगी? अरे कुछ काम कर तो शादी होगी ना। सर, अच्छा मेरे टेबल पे टू और सिक्स मिसिंग है और बाकी सब है। ओके, तो एक्शन करने में प्रॉब्लम होता है, हाँ होता है अभी एक जो सोचते हाँ सोचते बहुत होंगे, तो एक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है। आप अभी जो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन जो नंबर बोले ना, वैसा हाँ होता है। गोल सोच लेता हूँ, इमोशनल हाँ डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ। मतलब ये सोच हाँ लिया कुछ देर बाद, और एक तो हाँ कुछ बताया थे जिसका मतलब एक एक्शन ले लिया उसके बाद रिग्रेट जो होता है, वैसा भी हाँ होता है मेरे साथ। वही नंबर है मेरे, कॉम्बिनेशन है मेरे पास। है ना, सबके साथ हाँ होंगे, सबके साथ होता है। तो आएगा वो जो रेमेडी पार्ट में आएगा, उसकी रेमेडी कर लीजिए, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है आएगा ये परसों आएगा, मोस्टली परसों आएगा या थर्सडे आएगा, थर्सडे आएगा रेमेडी पार्ट। हाँ जी शनिवार, शनिवार को क्लास होगी, ओके ये शनिवार को क्लास होगी, ये मतलब 6 दिन पूरा होगा, शनिवार को लास्ट क्लास होगी, क्योंकि फिर संडे, फिर मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो शनिवार को क्लास, क्योंकि 11 क्लासेस है ना पूरी, तो 11 दिन तो 10 दिन में नहीं कर सकते। तो टॉपिक क्या है, बहुत सारे टॉपिक मुझे कट करने पड़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं कट कर सकते। चलिए अब सपोज खाली दो है, तो इमोशनल डिस्टरबेंस हो गया अपने रिजल्ट को लेकर। अब लीना ने खाना बना दिया, अरे आलू पराठा कैसा बनेगा, आलू पराठा अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, तो वो क्या होता है, लीना क्या करेगी, बना ली है अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, अरे कैसा होगा, समझा? वो सिचुएशंस होती है। काम तो करेगा, मतलब मेरा काम तो कर दिया, मेरा बॉस क्या करेगा, अच्छा मेरे को अप्रूव करेगा नहीं करेगा, मेरे को कैसा डांट तो नहीं देगा, वो इमोशनल डिस्टर्बेंस या सेल्फ डाउट बोल सकते। ऐसे लोग जो है तो सेल्फ डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट मतलब काम तो करेंगे मगर क्या होगा, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, तो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाए, सिंपल। पांच, खाली पांच है, तो ऐसे लोग कोई भी सिचुएशंस में बैलेंस करके रखें, कैसे, अच्छा भी रिजल्ट आया या बुरा भी रिजल्ट आया। सपोज इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू आया तो भी अच्छा बोलता है, नहीं आया तो भी अच्छा, बहुत बैलेंस रहते हैं। अब लीना ने खाना बनाया आलू पराठा, पसंद आया अच्छा ठीक है, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। सिचुएशन समझ में आपको, उसके साथ इमोशनल नहीं हुई है, दो नंबर क्या थे, इमोशनल हो रहे थे, बेमतलब परेशान हो रहे थे, जरूरत ही क्या परेशान की, जरूरत नहीं है, इस बार अच्छा नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम बनेगा। और ओनली एट ये हमेशा हमेशा मटेरियल चीजों पर फोकस करेंगे, मुझे क्या मिलेगा,
रेखा ने किसी को हेल्प किया, ओके, मुझे क्या मिलेगा? समझे आपको? किसी के पास 8 है, खाली 2-5 मिसिंग है, किसी के पास है नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा? पहला तो वर्ड उनका ये रहेगा। दूसरा, ये खाली रिजल्ट पर फोकस करेंगे, ऐसे लोग रिजल्ट पर फोकस ही रहेंगे, मतलब 24 घंटे रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, तो ऐसे लोग भी अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि काम नहीं करोगे, खाली रिजल्ट पे देखो क्या हो जाएगा। जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है, अरे मेरी डिलीवरी का बच्चा कैसा है, अरे पूरी 9 महीने तो एंजॉय करो ना उसको, समझ में आपको? वो रिजल्ट पे फोकस करके वो जो जो एंजॉयमेंट का पार्ट है वो क्या कर देगा, मिस कर देगा। जैसे खाना खाना बना रहे हो, अरे खाना बना रहे हो तो उसका जो पूरे इन सिस्टम को फॉलो करेंगे नहीं, खाली कैसी बनेगी मेरी रोटी उस पे चिंतित रहेंगे, कि वो पूरा प्रोसेस जो फॉलो करना है वो नहीं। या ऐसे बोल सकते हो कि ये सिर्फ रिजल्ट पर ही फोकस करेंगे। जैसे साड़ी खरीदने गई, कौन खरीदने गई? चलो, कौन? रेखा ने खरीदने गई साड़ी, ड्रेस खरीदने गई। ये ड्रेस की क्वालिटी नहीं देखेगी, ये ड्रेस मेरे पे कैसा दिखेगा, बस भाई। क्वालिटी देखा क्या? ड्यूरेबिलिटी देखी क्या? शेड देखा क्या? कॉस्ट देखा क्या? हाँ, मेरे बजट में है नहीं ये देखा क्या? क्या रेगुलर रोज पहनने के लिए, शादी के लिए सब देखा क्या? नहीं देखा ना, सब देखा कि मेरे पे सूट कैसे करेगा। फोकस कहाँ है? सूट है, अच्छा मेरे पे सूट हो गया, चल दे दो। बाकी जो पैरामीटर थे वो कुछ कंसिडर किया क्या? नहीं किया। तो ऐसा होते हैं ये 8, खाली 8। रिजल्ट आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिंपल रिजल्ट नहीं आता है। चलिए, हो गए पूरे कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन को आज होमवर्क में ले लीजिए, अपने अपने ग्रिड पर लगा के देखिए कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। सर एक बार 5 वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज। चलिए, 5 मतलब है कोई भी सिचुएशन में बैलेंस करेगा। लीना क्या था उसका नाम, अभी किसने बोला? हाँ चलो, आपने रोटी बनाई और कल संडे था, कल अच्छे से बिरयानी बनाई, पुलाव बनाया था। अब कैसे होता है 5 नंबर? ठीक है, अच्छा बना तो भी अच्छा है, नहीं बना तो भी अच्छा है, ओके। तो बैलेंस है सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में बैलेंस रहेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आए, पास हो या फेल हो। आप क्या कर रही हो, अच्छा बना नहीं बना, ये क्या है? पास फेल तो है ना, पास फेल तो है। कोई रिजल्ट आया नहीं आया, सपोज कोई मेहमान वाले आने वाले हैं आपके घर पे, 3 बजे किसी ने बोला मैं आ रही हूँ आपकी फ्रेंड, अब उसके लिए क्या करोगी? ठीक है, आई थी भी अच्छी, वो बोली मैं 50-50% चांस है, ठीक है आई थी भी अच्छा है, नहीं आई थी भी अच्छा है। तो ये क्या है, ये 50-50 वाले हैं, क्रैक जैक का 50-50 है ना, उसमें नमक का भी स्वाद रहेगा और मीठा भी स्वाद रहेगा, वही क्रैक जैक का ही है ना सर। तो मतलब दोनों भी टेस्ट होते हैं, मतलब पास भी हुआ तो ठीक है, फेल भी हुआ तो ठीक है, समता भाव में रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, तराजू की तरह। कोई भी सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में हो या अच्छे सिचुएशन में, मतलब दुख आया तो रोएंगे नहीं और खुशी आई तो नाचेंगे नहीं, तो दोनों में समता में रहे। क्लियर है? चलिए जी, क्लियर हो गया? ये सब क्लियर हो गए?
हाँ जी नीतू जी, क्या डाउट है आपका? हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, कहाँ से हो आप? सर मैं दिल्ली से हूँ हाँ जी, सर, मेरा डाउट नहीं है, मैं जो भी आप बता रहे हो उससे बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के में सिर्फ 8 है। उसको सबसे पहले यही होता है कि इससे मुझे क्या फायदा, इससे मुझे क्या मिलेगा। और सर जैसे आपने कपड़ों के लिए बोला ना, बस जाएगा, अच्छा लगेगा, ना रेट से मतलब है, ना क्वालिटी से मतलब है, कुछ नहीं, बस अच्छा लगेगा, ले दो, ठीक है ले लो बस। बस और हस्बैंड का सर 5 है, तो वो बिल्कुल ऐसे हैं सर, हमेशा बैलेंस रहते हैं उनको, जो दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो कोई प्रॉब्लम मतलब ही नहीं आपने होती सर। आपने जैसे एग्जांपल बताओ, 5 है तो आपने अच्छा खाना बनाया तो भी खा लिया, और अच्छा नहीं बना बिल्कुल वो बिल्कुल भी खा लिया, तो रिएक्ट नहीं, नहीं बस कर रहे, खाना रिएक्ट मिल नहीं जाए कर रहे, सर। बस नहीं नहीं खाना नहीं खाना खाना मिल दे गया, दो सर, बहुत है, बहुत है बस बस सर खाना वो मिल चीज। जाए। थैंक हाँ यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। ये अपने लाइफ से रिलेट करो, कुछ थ्योरी मत पढ़ो। कौन सा मैंने अभी 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 देख के ही बनाया सेंटेंस, मैं सेंटेंस अभी आपके सामने बनाया, पहले पूरे सेंटेंस में आपके सामने बनाया, क्योंकि नंबर की एक बार जो नंबर के एट्रीब्यूट्स है ना वो समझ में आ जाए तो यू कैन प्ले एज यू विश। बैट पकड़ना आ जाए और तो बैटिंग ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आपको ये नंबर पकड़ने आने होंगे। कौन से एट्रीब्यूट्स? पूरा खेल एट्रीब्यूट, क्योंकि ABCD नहीं समझ में आता, सेंटेंस क्या बनाओगे, वर्ड्स क्या समझ में आएगा, सेंटेंस क्या नहीं समझ में आएगा, वर्ड्स के साथ ग्रामर, ये मतलब ये ग्रामर है पूरा, सिंपल बताऊं। ये जो अभी हमने जो जो ABCD हमने चैलेंज नंबर वगैरह, वो ABCD जो लोचोगी जो है वो क्या है, ग्रामर, ग्रामर नहीं है, समझ में नहीं आता तो आप नहीं समझ पाओ। और है इन नंबरों को ना लोगों पे लगा के देखो, किसी से बात कर रहे हो तो लगा के देखो, आखिर कौन से होंगे, नंबर कौन से होंगे। अब नंबर कौन से होंगे मतलब क्या है, सिर्फ बात से पता चलना कि ये बहुत सॉफ्ट बात कर रहा है या हार्ड बात कर रहा है, इसके अंदर एग्रेसिवनेस है, या इसके आंखों का कैसा है, आंखों के मूवमेंट कैसे हैं, तो उसको रिलेट करना पड़ेगा। तो इसी को समझना और अपने अप्लाई करना अपने अपने घरों पर, ये नहीं कि जाके अपनी वाइफ से झगड़ने लग गई, यही कि जाके अपने हस्बैंड से झगड़ने लग गई, और चालानी अपने हस्बैंड से झगड़ने लगे, तेरा ऐसा नेचर, तेरा ऐसा, इतने साथ से बोल रहा हूँ मैं, तेरा नेचर ऐसा है, देख नंबर भी ऐसे ही बोल रहे हैं, झगड़ा करोगे ताकि चालानी, नहीं ना, उसके लिए नहीं है, उनको बिहेवियर समझने के लिए है कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। ये नहीं कि तेरा बिहेवियर, मैं इतने साल से बोल रही हूँ कि तेरा बिहेवियर ऐसा है, किसी ने झगड़ा किया था लास्ट आके मुझे बोल, मैं पति से बहुत झगड़ा कर ली, नोरोजी सूट हो रही कर ली, तो मैं बोला समझ के उसको हैंडल करने के लिए है, किसी को चेंज नहीं कर सकते हो ये दुनिया में, एक चीज याद रख लो, एक चींटी का रास्ता भी चेंज नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत भी नहीं अपने, तुम अपने सास से बच्चे को चेंज करने या ओके सास के बेटी को चेंज करने लग जाते, ये सबसे बड़ी गलती है, किसी को चेंज नहीं करते, बट हमें समझ कर उसके साथ बिहेवियर अपने आप को ढालने के लिए, ना कि किसी को वो करने के। चलिए ये हो गया ना, अब जो अभी तक हमने देखा, अब लिख लीजिए पर्सनल ईयर, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मूलांक लिखिए, भाग्य अंक लिखिए, ग्रीड डालिए, फिर से डालिए फ्रेश,
डाल लिया। जाकर वापस सुनिए, जितने अभी तक मैंने प्लेलिस्ट में दिए हैं। अच्छे कंसल्टेंट बनना है तो उनको या नुमरोज को अच्छे से समझना है। एक एक वीडियो को दो दो घंटे, दो दो तीन तीन बार आप उसको पढ़ना होगा, तब जाकर आपके दिमाग में बार बार सुनकर वो लैंग्वेज आपके दिमाग में आनी पड़ेगी। नहीं तो एक क्लास अटेंड करके नहीं होगा। क्लास में समझ में आएगा, बार बार सुनने से क्या होगा, उसका जो फ्लो है दिमाग में चढ़ते 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 जो स्टार्ट समझ में आ जाए पूरा। चलिए जी, अभी तक हमने क्या देखा था, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। क्या देखे थे हमने? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखे थे, चार वर्ड का, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये बताया था ना मैंने, शॉर्ट एनालिसिस। तो अभी तक जो देखा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखे हैं। ओके, चार वीकनेसेस क्या देख रहे हैं? मूलांक भाग्य का रिलेशनशिप कैसा है, सक्सेस रेट कितना है, चैलेंज नंबर क्या है, मास्टर नंबर क्या है, स्ट्रेंथ देख रहे हैं, चैलेंज नंबर, कार्मिक नंबर क्या देख रहे हैं, इसके वीक पॉइंट देख रहे हैं। ओके, और अभी तक जो देखा है वो जो लोशोगिड में, उसके स्ट्रेंथ देखे हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है। यहाँ हम निगेटिव नहीं देखे, इसके स्ट्रेंथ है ये। यदि आठ खाली फोक, सपोज आठ मिसिंग है, वो भी एडवांटेज है, दो भी मिसिंग है तो एडवांटेज है। ग्रिड के अंदर जो ग्रिड है वो उसके लिए फायदा ही है, कोई गलत नहीं है अभी। ओके, जरूरी नहीं है कि उसे, जैसे अभी किसी ने बोला कि उसे बेटे के पास आठ नंबर है, वो स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। ऐसे लोग राइट डायरेक्शन में काम करे तो ऊपर तक पहुंच सकते हैं। जिसका भी मूलांक भाग्यांक चार और आठ है, याद रख लेना, जिसका भी है, दे कैन मेल्ट द मनी, दे कैन मेल्ट द मनी। ग्रीड कितना भी बोल रहा है, बस उतना पांच होना चाहिए कंडीशन। तो ग्रीड कितना भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मगर दे कैन मेल्ट द मनी। हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट है ओटी। ओटी मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट मतलब आने वाले शुभ समय, अशुभ समय, या लाइफ में आने वाली अप्स एंड डाउन्स, या आने वाले प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे देखेंगे इसको, इसको कैसे देखेंगे। इसको देखने के लिए हमें चाहिए, अच्छा मैंने पहले बोला क्या, भाग्यांक चेंज होता है, भाग्यांक चेंज होता है बोला था मैंने, भाग्यांक स्थिर नहीं रहता है, मूलांक स्थिर रहता है, भाग्यांक स्थिर नहीं रहता है। जो मूलांक है वो पुरुष है, जो भाग्यांक है वो क्या है, प्रकृति है। प्रकृति को यदि आप समझो, चेंज जो होता है वही रिजल्ट देता है, जो चेंज देता है वही रिजल्ट देता है। बट उसको रिजल्ट देने के लिए क्या चाहिए, स्थिरता चाहिए। वो जो स्थिरता है वो देता है क्या बोलते हैं, मूलांक। अब ऐसा देखा जाए तो पतंग है, पतंग क्या है, प्रकृति है। तगा और चरक क्या है, पुरुष है, मगर प्रकृति को पकड़ने के लिए पुरुष की जरूरत होती है। जो चेंज होता है उसको कंट्रोल रखना जरूरी है, उसके कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कटी रे पतंग कटी रे, वो गाना है ना, कौन सा गाना है, पुराना वाला, किसको याद है, मुझे तो याद है, मुझे आप याद है। ओके, तो मतलब वो कट गई पतंग, तो उसमें कंट्रोल रहा क्या, नहीं रहा ना, वो बस आउट ऑफ ट्रैक चले गई। तो इसीलिए कभी भी मूलांक और भाग्यांक का आपस में संबंध होना जरूरी है। तो जो पुरुष है वो आपका मूलांक है, और जो प्रकृति है वो, सॉरी, भाग्यांक जो है वो प्रकृति है। प्रकृति चेंज होती है बट उसे पकड़ के रखना पड़ता है।
से पकड़ के रखना पड़ता है। विचार क्या है? चेंजेबल है, प्रकृति है। उसे यदि सीमित कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? विचारों को फोकस कर दिया जाए, विचारों क्या होता है? एनर्जी स्कैटर्ड है, मगर उसको एक जगह पर संग्रहित कर दिया जाए तो जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो जो मूलांक है वो चेंज होता है। जो चेंज होता है उसे कैसे पकड़ेंगे, उसे कैसे जज करोगे? कल एक मूलांक था, आज एक मूलांक है। हाँ जी, कल एक मूलांक था, आज एक मूलांक है। कल का दिन अलग था, आज का दिन अलग है। ओके, नेक्स्ट। तो इसको कैसे जानेंगे? इसे जानते हैं, एक टॉपिक है पर्सनल ईयर। ओके, पर्सनल ईयर। अब सपोज अब आने वाले घटनाएं कौन सी हो सकती हैं? आप प्रधान बोलेगा कि मेरी शादी कब, पहला क्वेश्चन उसका। या पहला क्वेश्चन होता था मेरी जॉब कब लगेगी, या विकास का हो सकता है कि मेरा प्रमोशन कब होगा। विकास क्या करते हो? मुझे नहीं मालूम क्या करते हो। हाँ जी, जी सर, मैं एज ट्रेनर काम करता हूँ जी, हाँ क्रिप्टो जी, इंडस्ट्री के अंदर। किसमें? एज ट्रेनर काम करता हूँ जी, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अच्छा, ओके ओके, आपने बताया था शायद। जी सर। अच्छा, तो कौन से टाइम पे काम करते हो? मेरा शाम का रहता है गुरु जी, 8 से 10 बजे तक के सेशन आप रहते हैं ट्रेनिंग भी देते हो ना? अरे जी सर जी। हमको भी ऐड कर दे, कितना फीस होती है उसकी? बिल्कुल शनिवार रविवार को होती है ना आपकी, शायद आपने बोला था, यही है ना? आप ही थे जी ना? अरे जी डेली होता है वैसे तो, डेली 8 से 10 होता है सेशन मेरा। अरे, 8 से 10, फिर एक दिन बस है? तो मैं सैटरडे फिर मिस कर देता हूँ ना, क्योंकि सैटरडे हमारा मेन कोर्स का होता है तो। ओके, तो मुझे भी ऐड कर दीजिए इसमें। जी हाँ जी, आप सपोज विकास है, ये विकास मेरे मेन ग्रुप में है, पेड ग्रुप में। ओके, तो अब सपोज इन्होंने क्रिप्टो पे पैसा लगा दिया। पैसा लगाया, पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? या अब ट्रेनिंग दे रहा है तो लोगों को कितना ट्रेनिंग समझ में आएगा? अब सपोज एग्जाम्पल, कौन है, कौन जॉब कॉल कर रहा है? सपोज दिनेश जी हैं, जब जॉब करते थे शायद, अभी तो नहीं करते शायद ऐसा लग रहा, तो ये जॉब करते थे, तो एक जॉब करते हैं तो कस्टमर इनके पास, एक इनका बॉस सेटिस्फाई होगा नहीं होगा? क्वेश्चन, इनका प्रमोशन कब करेगा मेरा, या मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, मेरे जॉब चेंज होगी नहीं होगी? ओके, आप विकास जी बोलेंगे मेरे, मुझे नए स्टूडेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ओके, अब नीतू बोलेगी कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन कब होने वाली है, बिजनेस करते हैं तो मेरा बिजनेस फ्लोरिश कब होगा, या मेरा बिजनेस है तो आज एक बिजनेस है तो उसको एक्सपेंड कब होगा, दूसरा बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे, ये भी है। ओके, अब किसी के रिलेशनशिप स्पॉइल है तो रिलेशनशिप कब बेटर होंगे मेरे, या किसी का डाइवर्स चल रहा है, मेरे डाइवर्स कब तक मिलेगा? कई लोग चाहते हैं, कुछ लोग बोलेंगे मेरे कोर्ट केस चल रहा है, कब, तो कब तक चलेगा मेरा? ये सब चीजें क्या है? ये सब इवेंट्स है, ये क्या है? आने वाले घटनाएं हैं। ओके, ये एक सब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, और ये कहाँ के हैं, आने वाले हैं? ये ग्रिड पर डिपेंड, आपके नटल चार्ट पे डिपेंडेंट है क्या? ये नटल चार्ट में कुछ भी नहीं है, खाली आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखने के सिवा कुछ भी नहीं है। मगर ये क्वेश्चन कहाँ से आंसर मिलेंगे, इसे कहते हैं भविष्यवाणी, सिंपल। ओके, बहुत है इसमें तो, बहुत कुछ है, बट विल ट्राई टू जितना कवर कर सकते हैं। हाँ जी, तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो कैसे जाने? ये जानते हैं पर्सनल ईयर से, मतलब एक साल कैसा रहेगा मेरा, उसे कहते हैं पर्सनल ईयर। एक साल कैसा रहेगा? पर्सन, मेरा पर्सन, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे माँ, मेरी बाप, मेरा घर, मेरा, जो मेरा बोलते हैं ना, वो पर्सनल पर्सनल ईयर। मेरा ड्रेस, मेरी चूड़ी, मैंने, मेरे गहने,
शालिनी बोलेगी मेरे गहने मेरी चूड़ी, तो मेरी जो है वो है पर्सनली। नीतू बोलेगी मेरा ड्रेस, ये क्या है, ये पर्सनल है, मेरी चीजें हैं, तो जो पर्सनल ईयर है। दूसरा, एक साल कैसा रहेगा वो पर्सनल ईयर, एक साल में भी मंथ भी तो आएंगे ना, वो एक महीना कैसा रहेगा मेरा, और आप पूछोगे एक एक दिन कैसा रहेगा मेरा, आज का दिन कैसा रहेगा। तो ये जो सवाल है, इस सवालों का जवाब आपको एक अलग टेक्निक से यूज करनी पड़ेगी, उसे कहते हैं पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। ओके, आप सपोज रेखा जी का बर्थडे है 27/5/2000, ना चलो सपोज सपोज रेखा जी का बर्थडे है 27/5, समझना इसको, 19 कितना होगा अंदाजा, 90 है समझते हैं। ओके, 27/5/2000 समझता किसी का। ओके, तो कितने साल का होगा वो आज, तो 24 23 साल हो गए उसको। 24वां लग रहा है, 25वां लग रहा है, 24वां ना, 24 का लग रहा है, 25 का लगेगा। हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, हाँ जी प्रधान जी, 24वां 24वां 24 बार। अब इसका पर्सनल ईयर कहाँ से कहाँ होता है, इसका पर्सनल बताए, ईयर दो तीन तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है फर्स्ट फर्स्ट जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वो क्या है, यूनिवर्सल ईयर है, वो क्या है, सबका कॉमन है। एक चाइनीज होता है 12 फरवरी से लेकर या 7 फरवरी, ओके, वो 7 फरवरी से काउंटिंग कर, और मेरा काउंटिंग करने का सिस्टम ही अलग है। पर्सनल ईयर की बात करें, चाइनीज पर्सनल ईयर दो तरह से काउंट होते हैं, कुछ लोग फरवरी 7 से काउंट करते हैं, सिर्फ फरवरी 7 से लेकर 7, ओके, मैं नहीं करता हूँ, मेरी नुमरोलॉजी में नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपका बर्थडे से लेकर नेक्स्ट बर्थडे तक एक साल मानता हूँ। आप जैसे अभी सपोज आज 27 है, 27 को जन्म लेने वाले क्या होंगे, इनका पर्सनल ईयर क्या रहेगा, 27 से लेकर नेक्स्ट ईयर 26 तक, 26 मई तक, 27 को चेंज हो जाएगा, कैलेंडर चेंज हो जाएगा, तो एक साल वो है उनका पर्सनल है। तो अपना अपना पर्सनल ईयर देखो कब से कब तक रहेगा, इस साल कौन सा रहेगा, कब से होगा। तो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, बारह किसी का समझो, 12/9 है और 2000 1989, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, DOB है, तकवा इसका मूलांक आ जाएगा इसका 3, ओके, भाग्यांक क्या आएगा, 3/12/20 30 39, 39 से 3 3 12, 12 से 3, चलो थोड़ा कंफ्यूज क्यों, इसको हम लोग 88 कर, तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, नहीं है तो 80 से 80 नहीं, अपन कर देते हैं इसको, फिर मास्टर नंबर आएगा सब सब। हाँ जी, वोट कितना आ जाएगा, ये 5 3/12/22 30 34 आ जाएगा, 7 34, फिर वो मतलब फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर, इसलिए 7 आ गया। हाँ जी 7 आ गया, तो इसका देखो 12/9/1984 से लेकर 11/9/1985 तक एक साल होगा इसका, कैसा, इसका बर्थ से लेकर बर्थ तक इसका एक साल होगा,
ओके एज ऑफ टुडे कितने साल का हो गया होगा, ये कितना हो गया अप्रोक्सीमेट? 84 से माइनस करो तो 16 और 40 साल का हो जाएगा, करेक्ट है? 40 साल का हो जाएगा नहीं? अच्छा इसके कितने पर्सन निर्वाचन जा चुके हैं, इसके 40 साल जा चुके हैं? 40 साल मतलब 20 साल को गिन रहा हूँ, 2000। अच्छा चलो ठीक, इसको कट करता हूँ मैं। अब सपोज इसका ईयर क्या होगा, 12/9 से लेकर 12/9 हर साल चेंज होगा, कब चेंज होगा ये उसके ईयर, मतलब चेंज कब होगा ये? 12/9 को ही चेंज होगा हर साल, मतलब 11/11/9 को खत्म हो जाएगा, 12/9 को नया साल लगेगा, करेक्ट है? अब ये बोलो मेरे को, कैसे बोलोगे कि ये 30 साल का है, कैसे बोलोगे? कोई तो बोल पाएगा 30 साल का है, 35 साल का, कब बोलोगे? आज कौन बोलेगा? रेखा जी, अच्छा दो रेखा है यहाँ पर, रेखा ओके ओके, हाँ रेखा जी, रेखा सिंह, हाँ जी बोलिए, कितने साल का कैसे बोलोगे? 11 तारीख के बाद वो नेक्स्ट ईयर लग जाएगा। हाँ मतलब एज कब चेंज हो रही है, एज कब चेंज हो रही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से चेंज हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ से चेंज हो रही है, क्या यूनिवर्सल ईयर से चेंज हो रही है क्या उसकी एज? नो नहीं हो रही ना, कानून भी नहीं मानता उस चीज को, कानून वो यही मानेगा, कट है ना ये चीज समझ में आई? तो मतलब इसकी जो एज है उस दिन से, मतलब बर्थ से लेकर नेक्स्ट बर्थडे तक, ओके। अब इसका बर्थडे कब आया ये बताओ मैम, 12 तारीख को आया अच्छा 12/9, ये 12/9 2024 में आने वाला बर्थडे, जाने वाला बर्थडे लेंगे हम लोग, आने वाला, आने वाला है। 2024 ये भी अभी आने वाला है क्या? और यस हाँ जो सर, 12/9/2024 को बारह चेंज 12/9/2024 को चेंज होगा, होगा। ओके। सर हाँ 11/9 को चेंज होगा उसका, 11 तो खत्म हो जाएगा। 11/9 यस चल, खत्म होगा, 12/9 को नया शुरू हो जाएगा ना। हाँ हाँ यस 12/9 को नया शुरू हो जाएगा, जी ओके। अब 12/9 को नया चेंज हुआ, मतलब ये कब से वैलिड रहेगा? 12/11/9/2025 तक रहेगा वैलिड, करेक्ट है ना? हाँ इसका बर्थडे इतना ही रहेगा ना, मतलब आपने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया, कब से कब तक काउंट होगा वो? आज की डेट से लेकर नेक्स्ट डे के एक दिन पहले, एक साल का सब्सक्रिप्शन, बर्थडे क्या है, एक साल का सब्सक्रिप्शन है इस साल से लेकर उस साल तक, नेक्स्ट। अभी ये बोलो ये आ गया क्या, 24 आ गया, आ गया क्या, ये आ गया क्या, अभी नो नहीं आया, तो हम इसका पर्सनली, कौन सा पर्सनली ये चल रहा है अभी, कौन से साल का चल रहा है बोलो मेरे को भी, 23 2023 23 23/24 का चल रहा है इसका, इसका करंट अभी कौन सा चल रहा है, नो बारह 2023 यस एक मिनट 23 09/2023 का और 24 का चल रहा है इसका, 24 करेक्ट है ना? मतलब उसको 11 ले देते हम लोग कंफ्यूजन, हाँ जी। ये यहाँ अभी आया क्या डेट, ये नहीं आया ना अभी, अभी नेक्स्ट ईयर नहीं आया इसका बर्थडे, जो बर्थडे गया है उसको देखेंगे, आया आया नहीं तो जो बर्थडे गया है, ओके। हाँ जी बारह नौ 2023 से लेकर 11/9/2024 तक चौबीस इसका डे है बर्थडे। अब याद रखो हमने यहां भी मूलांक निकाला था ना, इसका मूलांक क्या आया था, 3 3 आया, अब इसका भी मूलांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मूलांक? अब 12/9/2024
जिस साल का पर्सन ईयर निकालना है उसके साथ आप ईयर को चेंज कर दोगे। खाली क्या हो रहा है यहाँ पर पता है आपको? यहाँ पर खाली ईयर चेंज हो रहा है, मंथ और डे चेंज हो रहा है क्या उसका? खाली नो ईयर चेंज हो रहा ना, तो हमें सिर्फ ईयर चेंज करना है पर्सन ईयर निकालने के लिए। या पर्सन ईयर मतलब लिख लीजिए ब्रैकेट में उस साल का मूला भाग्यांक। अब इसका भाग्यांक निकालो क्या हो जाएगा? दो दो पांच पांच नौ सात, सात सात दस, 19, 19 से एक, तीन तीन 19 से तीन डेढ़, 10 से एक। छः दो कितना आ रहा है? अच्छा दो दो क्यों आएगा? छह तो दस, वन सात दस, वन वन आ रहा है, वन 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 वन। वन यस यस वन वन आ रहा है, यस वन आ रहा है। अब सपो इसी को कहते हैं पर्सनल ईयर। इसको जो अपन चलो ईयर चेंज करते हैं नॉट इसे कहते हैं, ठीक पर्सनल ईयर। इसे कहते हैं पर्सनल ईयर वन, यानी इस साल का मूलांक है ये क्या है? इस साल का मूलांक, मूलांक किस किस साल का है? 23 का है, जो स्टार्टिंग हो रहा उसी को पकड़ते हैं। ये कौन से साल का मूलांक है? 23 का है। कितना है? एक है। ये कौन से साल का मूलांक है? तो भाग्या के या मूला के ये सॉरी समझ सॉरी ओके यस सॉरी सॉरी सॉरी, भाग्यांक है। यू आर राइट। ये भाग्यांक, ये किसका भाग्यांक है? अब दो यहां हजार पर देखो, तेईस हाँ मैं बताना चाहता कि यहां पर जो मूलांक है वो फिक्स है। मूलांक क्या है? 12 12 12 का। 12 फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ मगर हर बार भाग्यांक क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ में आया? भाग्यांक चेंज हो रहा है। सपोज इसका जो भाग्यांक होगा, कौन से साल का भाग्यांक? 24 का, आने वाले बर्थडे का, 2024 का होगा ना। ये कितना होगा? दो आएगा, देख लेना। 24 8 8 और 10, 8 8 और 11, 20 से दो आएगा। ये दो है। 20 से दो आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? ये कौन से साल का रहेगा? 24 25 का रहेगा। फिर एक से 25 26 का कितना आएगा? तीन आएगा। इस तरह से हर 9 साल में चेंज होता है, 9 साल तक चलते रहेगा। क्या होगा? 9 साल तक चलते रहेगा। अब यहां पर हम ये क्यों निकाल रहे हैं पहले? क्योंकि उसकी घटनाओं को समझना है, उसके होने वाली घटनाओं को समझना है, उसकी होने वाली घटनाओं को समझना है, इवेंट को समझना है। अब ये क्यों निकालना है? हमें इसलिए निकालना है कि ये साल कैसा रहेगा, कैसे जानेंगे हम? जानना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ तो वही रहेगा, जिस साल कैसा रहेगा उस साल को क्या करते हैं? उस साल से हम उस अपने वाई वाई बार को चेंज कर देते, रिप्लेस कर रहे। हमने जैसे 12/9 था 2023 से रिप्लेस किए, तो उसको ईयर पार्ट को रिप्लेस करते हैं और सीधा जैसे हमने पहले भाग्यांक निकाला था वैसे ही हम भाग्यांक को निकालते हैं। ओके, अब भाग्यांक चेंज हुआ नहीं हुआ? तो ये भाग्यांक जो है एक एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 9 साल, 9 साइकिल होती है। 9 साइकिल के बाद क्या होता है? फिर से 1 साइकिल आती है। जैसे अभी इसका कितना चल रहा है? 2 चल रहा था, मतलब 25 पच्चीस छब्बीस पच्चीस 24 से 25 का कितना चलेगा? 2 चलेगा। वैसे ही इसे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 आके फिर 1 आएगा। तो इसे कहते हैं ईपी साइकिल, इसे कहते हैं ईपी साइकिल, ईपीआई।
कि 9 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। अब क्या यहाँ पर भाग्य मूलांक चेंज हुआ क्या? कहीं भी देखिए डेट में मूलांक कहीं भी चेंज हो रहा क्या? 12 तारीख चेंज नहीं हो रही है तो मूलांक स्थिर है। इसीलिए बोलते हैं भाग्य विधाता, हमारा नंबर जो है भाग्यांक जो है हमारा भाग्य विधाता है। क्या है? भाग्य विधाता है। यदि आपको भाग्य में कुछ करना है तो अपने किसको कंट्रोल रखोगे? कभी कार चलाते थे समय ये देखा कि अपनी सीट को कंट्रोल रख रहे हो? सीट को क्यों? वो फिक्स है, जो फिक्स है उसको चेंज नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, वो फिक्स है, वो माला है। मगर स्टेयरिंग को कंट्रोल रख रहे हो अपने डायरेक्शन को कंट्रोल रखने के लिए। वैसे ही अपने जीवन के अंदर सक्सेस पाना है तो हमें किसको कंट्रोल रखना पड़ेगा या किसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी? भाग्यांक को देनी पड़ेगी। भाग्यांक जो है हमारा भाग्य का विधाता है, भाग्य भाग्य विधोय है। ओके, इसीलिए जो चेंज होता है उसे कंट्रोल रखना जरूरी है। क्यों? वो नहीं तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन लेस हो जाएगा। डायरेक्शन जो चेंज होता है उसे कंट्रोल रखना जरूरी है ना, कंट्रोल रखना जरूरी है, उसको सिक्योर करना जरूरी है, उसको डायरेक्शन देना जरूरी है, उसे अपने आप में कम। जैसे एक हाथी है, एक जंगली हाथी है, वो कंट्रोल है क्या? नहीं है। मगर जब उसको कंट्रोल रख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ भी काम कर सकता है। जैसे बहती नदी है, देखा जाए तो ये बहती नदी कुछ काम की नहीं। एग्जाम्पल की मतलब जरूरी है, पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकली काम की है क्या? बहती हुई नदी काम की नहीं है। जब तक पानी उसको स्टोर नहीं कर लोगे तब तक काम नहीं आएगा डैम के रूप। मतलब उसको कंट्रोल रखा आपने, चंचलता को कंट्रोल रखा। मन भी जो है स्थिर नहीं है, दिमाग स्थिर नहीं है, विचार स्थिर नहीं है, तो क्या कुछ रिजल्ट दे पाएंगे? जैसे कई बार होता है शादी में जाते तो लगता है ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, पसंद सब भी है, तो कंफ्यूज होते नहीं होते हो? होटल में भी मेन्यू देख के कंफ्यूज होते हो? हाँ, मैं बहुत कंफ्यूज, यहाँ से तो लगता है कि ये कुछ भी खा लेंगे, वहां मेन्यू देखते ही पूरा कंफ्यूज, 5 मिनट सोचना पड़ता है। क्यों? कंफ्यूज, विचार स्थिर नहीं है। जब विचार स्थिर नहीं है तो क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। वैसे ही भाग्यांक को यदि कंट्रोल नहीं रखा तो एक प्रलय आ सकता है जीवन में। तो इसके लिए कहता हूँ भाग्य को कंट्रोल रखना जरूरी है। अब भाग्य जो है वो किसके साथ, जैसे मूलांक भाग्यांक का आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए ना, अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? वैसे ही यहाँ पर जो हम भाग्य जो हम बोल रहे हैं वो दैट इज कॉल्ड ए पर्सनल ईयर। हम उसका नाम अलग से दे रहे हैं, पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर मतलब हम जो 1 साल की बात कर रहे हैं, वो जो भाग्यांक जो बात कर रहे हैं वो ओवरऑल बात कर रहे हैं, लाइफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये जो भाग्य भाग्यांक जो बात कर रहे हैं वो 1 साल तक रहेगा, नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा फिर से। हाँ जी, देखा जी, चेंज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो ये मतलब है भाग्य है। मगर जो मूलांक में जो सॉरी जो डेट ऑफ बर्थ से हम निकाल रहे हैं भाग्यांक, वो ओवरऑल काम करेगा। जैसे प्रिंसिपल और वाइस टीचर, प्रिंसिपल स्कूल को संभालती है, टीचर के क्लास को संभालती है, दोनों में डिफरेंस है। टीचर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, स्कूल को क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, वो गई अपने क्लास में समझा दी, बाकी क्लास में क्या हो रहा है उसको चिंता ही नहीं है। वैसे ही है ये, तो पर्सनल ईयर के खाली वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर, वो कीप ऑन चेंज। जैसे टीचर चेंज होती क्लास में, वैसे ही ये पर्सनल ईयर चेंज होते रहेगा। No. अब इसका संबंध किससे है? बच्चे का जो संबंध है स्कूल से, टीचर से संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा किसका? टीचर का मिलेगा? नहीं, स्कूल से मिलेगा। तो जीवन में जो है वो संबंध जो है वो मूलांक के साथ है। किसका? पर्सनल ईयर हो या भाग्यांक हो। अब जरूरी नहीं है कि जीवन में मूलांक और भाग्यांक दो एंटी वाले हैं। सपोज 1 और 8 है, 2 और 8 है, अच्छा वाला भी हो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। हमारे लाइफ में भी देख लो क्या, कई बार अच्छा भी हुआ कई बार बुरा भी हुआ ना।
बिजनेस करते हैं, लाभ भी रहते हैं, कभी शेयर मार्केट में कभी पैसे भी कमाते हैं, कभी घुमाते भी हैं। ऐसे ही जीवन में हर समय एक सा नहीं रहता है, क्योंकि वो समय चेंज होता है। यदि सपोज आपको समझ जाते हो कि ये गलत समय आने वाला है मेरा, तो आप क्या कर सकते? अब रेखा भी अभी नेक्स्ट मंथ जाने वाली है, जून के अंदर कहीं घूमने गई, वहां बरसात हो रही है, तो पता चला है बरसात होने वाली है, तो क्या करेगी? छाता ले जाएगी साथ, पता हो गया है ना? पता नहीं है तो, पता है कि सिग्नल गिरा हुआ है तो आप आराम से चलोगे, क्रॉस करोगे रोड, जब ट्रैफिक में कैसे क्रॉस करोगे? घबरा घबरा कर करते हैं, करते हैं, कई बार करना पड़ता है, ट्रैफिक में तो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि पता है कि आपको ट्रैफिक स्लो है, ज्यादा है, तो आपकी क्रॉसिंग क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। सपोज आप कहीं विकास जा रहे हैं, बीच में क्रॉसिंग है, रेलवे की क्रॉसिंग है, तो क्या करना पड़ेगा? तो रुकना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, नहीं तो क्रॉसिंग है, ट्रेन नियर ट्रेन को मार दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओके, आप सपोज विकास जी की वाइफ है, आर्गुमेंट कर रही किसी चीज पे, पता चल गया हाँ ये 2 मिनट आर्गुमेंट, 2 मिनट आर्गुमेंट कर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो 2 मिनट आर्गुमेंट सुन लिया, ये पता ही नहीं है कि वो ये कि उसने एक बात बोल दी और इसने 2 बात बोल दी, क्या होगा? झगड़ा बढ़ जाएगा ना। तो आपको पता चल गया कि बिहेवियर इनका ऐसा है, तो आप संभलते नहीं संभलते, हम ऐसे ही करते हैं ना, जी 90% हमें 90% ऐसे ही करते हैं, मंजुला ऐसे ही करते हैं ना, पता है कि इनका नेचर ऐसा है, तो हाँ 2 मिनट सुन ले चल, ऐसे ही करते हैं, अरे पता ही नहीं है इनका नेचर, तो हम भी कुछ बोलने लगे तो क्या हो जाता है? तो वो पर्टिकुलर पॉइंट फायर हो सकता है। वैसे ही जीवन में अब आप सपोज महंगाई बढ़ने वाली है, सोने का रेट बढ़ने वाला है, 1 लाख रुपए जाने वाला है, हाँ जी घट है ना न्यूज, यदि मोदी गवर्नमेंट आ जाती है तो 1 लाख रुपए चल जाएगा, लोग खुश हो रहे हैं 1 लाख बढ़ जाएगा, कौन खुश हो रहा है? जिसे लेना है, मगर ये नहीं समझा कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, सोना बढ़ रहा तो, और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ जाएगा, ओके शेयर मार्केट हो सकता है डाउन हो जाए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, तो हमें पता चल गया कि शेयर बढ़ने वाला है रुक, तो हम क्या करेंगे? लेके आ जाएंगे, पता है कि हमें डाउन होने वाला है, विकास जैसे करते डाउन होने वाला है तो बेच देते हैं, मान हमें कि अभी बढ़ने वाला है तो ले लो, यही तो करते हैं शेयर मार्केट, ओके। तो कहने का मतलब है कि आपको पता चल गया कि आपका समय अच्छा है, तो आप थोड़ा सा फ्री हैंड हो सकते हैं, अब पूरा वक्त हो रहा है, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम आने वाले हैं, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाले हैं, या समय बुरा चल रहा है, तो क्या कर सकते, संभल सकते हो? संभलने के लिए क्या कर सकते हो? अपने माइंड गेम को ऐसा ऐसा कर सकते हो तो उसका प्रॉब्लम बहुत माइन्यूट लेवल पर हो जाए, ओके। जैसे नीतू जी धूप में निकलने वाली है कल, अब निकले तो क्या बोल सकते हैं? वो गाना है ना, धूप में निकला ना करो धूप की रानी, काली न पड़ जाए ना, तो अब क्या करोगी? अब काली तो पड़ना नहीं, काली तो नहीं पड़ना है, समझना इसको, काली तो नहीं पड़ना है, तो हम क्या क्या करेंगे? छाता ले जाएंगे, छाता क्यों ले जा रहे हैं? प्रोटेक्शन करने के, पता है कि धूप है इसलिए अपने आप को प्रोटेक्शन कर लिए, बरसात है तो अपने आप को संभल के चलिए। अब मंजुला जी ने कपड़े भाग चुका है धूप में, बरसात आने वाली है तो क्या करेगी? पता चल गया तो जल्दी जाके लिए निकाल के लाएगी, समझा? तो मतलब आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो कपड़े बिक जाएंगे, ये धूप में निकल जाएगी, बरसात में निकल जाएगी, तो नुकसान होगा नहीं होगा? फिर फेयर एंड लवली का डिमांड बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें ये इवेंट जो है, हमें प्रिकॉशन देते हैं कि भाई तेरे साथ ऐसा होने वाला है तो होगा ही होगा, मगर क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? अब नीतू को जाना है धूप में, ओके, रेखा को बरसात में जाना है, तो क्या जाना तो जरूरी है, रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे, हम लोग क्या प्रिकॉशन लेके जाएंगे? तो उसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा?
कम हो जाए। अब रेखा पानी पे जा रही तो पैर तो भीगेंगे ना, हमारे पूरा पूरा शरीर तो नहीं भीगा ना, तो बच गए ना, 90% बच गए ना हम। तो ये जो इवेंट्स हैं ये इस तरह से काम कि जो आने वाले उसको तो रोक नहीं सकते हो, आप प्रिकॉशन ले सकते हो। जैसे हम कोरोना में लिया प्रिकॉशन, नहीं लेते तो हमारा भी नामो निशान यहाँ नहीं रहता, हम जूम पे नहीं बैठते तो भी, समझा? तो हमने प्रिकॉशन लिया ना। तो कहने का मतलब है कि अभी पता चल जाए तो प्रिकॉशन ले सकते हैं। जो प्रिकॉशन लिए वो भी तो गए ना, जो 30-40 लाख इंडिया में गए हैं। तो उसमें जो प्रिकॉशन लिया वो भी गया ना, और जो नहीं लिया वो भी गया। अब आप बोलो फिर रेमेडी लगाने की क्या जरूरत है? कितने भाव से उसने रेमेडी लगाई ये भी तो है ना। 100% लगाया, 21% भी कहीं भी चले गया तो क्या करेगा? मेरा एक क्लाइंट है हैदराबाद में, वो बहुत प्रिकॉशन लेता है। उनके पूरे पूरे फैमिली के वास्तु, मेरा की पर्सन उनका वास्तु का जो भी है वास्तु बहुत करोड़। वो कहीं नहीं गया, कोई डिलीवरी आया नीचे से, उनका डिलीवरी देख के चले गया बस। उसको कोरोना था तो पूरा फैमिली को कोरोना हो। बोलो, इतनी प्रिकॉशन लिया ना, तो पागल हो? पता नहीं था कि वो क्यों उस आगे वाले को है नहीं, है गेटेड कम्युनिटी है, वो लाके दे देने के लिए। लाके दे दिया। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी भी चूक हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चले यहाँ क्लोज करूँ या कंटिन्यू 7 तक कर सकता हूँ? हाँ जी कंटिन्यू, अब ओके। चलो टाइम है ना, अभी तो देर से भी स्टार्ट करें तो ये टॉपिक हो जाएगा। अब ये जो पर्सनल ईयर है, अपना अपना पर्सनल ईयर निकालो। अभी अभी यहाँ पे एक डाउट आएगा। सपोज मैं एक बता देता हूँ, इसी डेट में ये डेट आई क्या अभी अपने पास? ये 12/9 आया क्या? हाँ जी 12/9 आया क्या? डेट नहीं आया ना। जब नहीं आया तो हम पिछला साल लेंगे, जो बर्थडे चले गया। अब सबको एग्जाम्पल 12, एक डेट ऑफ बर्थ है, 3/5/2010 का समझो एग्जाम्पल, जो भी डेट है। तो अब ये अभी अभी गया है ना ये, तो ये कब से आएगा? 3/5/1/2024 आएगा। 23 नहीं आएगा इसमें, 23 आ रहा क्यों? ये अभी आया नहीं, ये अभी इस साल में आ गया आया है ये। नाउ सपोज किसी का 2 जुलाई, 2 जून है, 2000 है, तो ये क्या होगा? अब किसका लोगे अभी? ये पिछले साल चल रहा है, अभी इस साल आया नहीं, अभी ऐसा ऑफिशियली आया नहीं इस साल बटे। तो 2/6/2023 ही लोगे, क्यों आया नहीं? आया नहीं तो पिछले साल का लेंगे, जो आ गया है तो इस साल का लेंगे। एग्जाम्पल 3/5/2000 था, तो इसका आ गया अभी, तो 24/25 आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए सर एक बताएं कि जैसे अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ पेपर्स में कुछ और चल रही है और अपना एक्चुअली कुछ और है, तो हमारे को यही वाले लेनी चाहिए ना जो हमारी है एक्चुअली, मैं इसका थोड़ा आंसर ऑप्शन ये दूसरा, दिखाने के थोड़ा लिए। थोड़ा टेढ़ा आंसर दे। किसी आदमी की है और वाइफ है, किसी के साथ अफेयर है, तो वाइफ किसको मानो? किसको अधिकार होगा? वाइफ जो मैरिड है उसकी को अधिकार होगा, जो ऑथेंटिक है। इसलिए एग्जांपल देता हूँ, याद रहे आप, जो जो रियल में है उसी को हम कंसिडर करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट में है वो तो सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई, जो एक्चुअल है वही ले। क्लियर है? सब आपका 25 तारीख है पेपर पे और 27 तारीख एक्चुअल रियल में है, तो 27 लेंगे। चलिए जी।
नेक्स्ट क्या है? अपना अपना पर्सनल ये निकालो, टोटल निकालो, पूरा पूरा टोटल निकालो। कितना कितना है पर्सनल ये चार्ट में बता दो। लोग निकल जा रहे हैं, पहले 45 थे। सीखना हो तो पूरा सीखो, अधूरा सीख के नहीं मिलेगा। एक टॉपिक भी कहीं भी छूट क्या गया उसका, डिसेबल है? हाँ जी नहीं, इनेबल कर दिया मैं। हाँ जी कितना कितना है? नहीं, मूलांक और पी वाई लिखो। यम फॉर मूलांक और पी वाई फॉर दिस वन। पी वाई मूलांक भी लिखो साथ साथ। चलो अब देख लीजिए, अब जाके देखिए आपका, देखिए मूलांक और पर्सनल ईयर आपका दोस्त है एंटी है क्या है, देख लीजिए। या किसी का मूलांक 7 है, पी वाई 8 है, तो दोनों क्या है, 7 और 8 क्या है, फ्रेंडली है, एंटी है, हार्डकोर एंटी है या एंटी, वो एक बार देख लीजिए। 4 और 6 है किसी का, गुड है। 7 और 8 है, गुड है। चल गुड। अब समझना, एक साल आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कैसे पता चलेगा? कितना परसेंटेज सक्सेसफुल होगा, कैसे? उसी में टेबल दिया हुआ है नीचे, सक्सेस फैक्टर पर्सनल ईयर टेबल के नोट्स के अंदर दिया हुआ है या नहीं? ये जो डाउनलोड किए हैं लेटेस्ट फ्रॉम ऐप से डाउनलोड किया नोट्स। हाँ जी हाँ जी बताइए। नोट्स निकाल लिया है जी, रेखा जी है ना? सक्सेस फैक्टर कौन सा है ये बताओ पहले, कौन सा है मुझे बताओ पहले। दो टेबल है वहां पर रेखा जी। सर, लेटेस्ट वाला पर भी नहीं है। हाँ मैं आज ही डाउनलोड किया हूँ। हाँ उसमें भी सक्सेस फैक्टर जो है आप बोल रहे थे, मैं क्लास रिकॉर्डिंग देख रहा था, वो यहाँ पर भी नहीं है। ये है ना सर, जो आपने स्क्रीन शेयर की थी ना क्लास के लिए, क्लास के टाइम पे, मैंने उसी को नोट किया, क्योंकि मैंने कल की क्लास की नहीं थी, तो मैंने डाउनलोड तो नहीं की, पर मैंने पूरी क्लास 2 बार आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी मैंने सुनी थी, तो दैट टाइम मैंने पूरा नोट कर लिया था। अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किया आपने? सर, मैं नोट्स डाउनलोड तो नहीं, लेकिन हाँ मैं पूरा लिखती जा रही हूँ, 1 to 1 पूरा। मैंने Day 3 का भी 2 बार रिकॉर्डिंग सुन के, आई यूज टू राइट एवरीथिंग। ओके नहीं, डाउनलोड कर लीजिए उसको भी साथ साथ। हाँ सर, सर वो थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है कि मतलब बेटे के पास में, इसीलिए नहीं अच्छा, आपको डाउनलोड करना आता नहीं है? है हमारे पास। हाँ ये जो नहीं है। 6 पेजेस वाला जो नोट्स है उसमें नहीं है। अच्छा ठीक है। दो मिनट देना, इसीलिए मैं पूछा आपको है नहीं, वो मिसिंग हो गया था, तो नोट कॉपी कर रहा था, चेंज कर रहा था। पहले क्या है, 21 दिन का पोस्ट था ये, तो मैंने नेम न्यूमोलॉजी इसको निकाल दी, क्योंकि नेम न्यूमोलॉजी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि क्रोनोलॉजी के बिना नेम न्यूमोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा और लगा, मुझे इनकम्प्लीट लगा, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो इस पे होरा और रोबांस भी पढ़ेंगे या मेन में नहीं वो? नहीं 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 वो मेन में पढ़ा।
दो मिनट देना मुझे, मैं बोल आपको भेज देता हूँ। हाँ जी, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं बोल, एक मिनट रुकना, अभी मत लेना, अभी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, आज और कल इससे भी काम कर। इसमें देखिए, ये आपका हाँ जी, ये जो है नीचे जो है मूलांक, ये मूलांक 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए दो अलग है, तीन और तीन, तीन में दो दो खाने हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। ये क्या है, PY PY PM, PY मतलब पर्सनल ईयर, PY मतलब पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, वो ये है 1 to 9। अब सपोज किसी का मूलांक 1 है, पर्सनल ईयर 1 है, तो सक्सेस फैक्टर कितना होगा, 99%। ओके, और दो है तो 90 to 99%, और किसी का मूलांक 1 है, 7 है, तो 70 से 80% होगा सक्सेस। 1 और 8 आते क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव, वो निगेटिव देगा क्योंकि वो अलग अलग दो कॉम्बिनेशन, पहले वहां भी देखा हमने निगेटिव देखा, वही कॉन्सेप्ट है, फैमिली रिलेशनशिप वही है, बट सक्सेस फैक्टर चेंज हो जाता है, थोड़ा कम ज्यादा है, डायरेक्ट नहीं है, वहां भी जो है वो अलग है, ये अलग है, पर ये क्या है, 1 साल के वैलिड रहेगा। 109 99%। सपोज किसी का, रेखा जी का क्या चल रहा है, पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ क्या चल रहा है, पर्सनल ईयर क्या चल रहा है आपका? हाँ जी, अनमिट कर रहे, 8 पर नहीं, मूलांक क्या है आपका? मूल्यांक 9 है सर, 9। देखो देखो, मूलांक 9 है तो 9 में चले गए हम लोग, या 9 में चले गए। अब पर्सनल ईयर कितना चल रहा है अभी इनका, 8 चल, 8 8 तो कितना परसेंटेज सक्सेस रहेगा ओवरऑल, 50%। ये परसेंटेज में सक्सेस फैक्टर इन परसेंटेज लिखा हो, तो ये परसेंटेज, सपोज किसी का और किसका चल रहा है, 3 इसका कितना चल रहा है, क्या ये प्रधान का तो मेरा मूलांक 4 है और चार, एक 9 मिनट, है। चार है हाँ और 9 क्या है, पर्सनल ईयर चल रहा, हाँ तो कितना परसेंटेज सक्सेस है, 50%, 50, और 50 इसमें नंबर 2 आएगा तो बस कम है और बाकी का सब अच्छा है। 4 किसमें? का मेरा मूलांक 4 है ना, मैं अभी जो चेक कर रहा था यहाँ पर। हाँ, यस यस यस, 2 में ही कम है गड़बड़ी, अदरवाइज 9 में भी गड़बड़ी है ना, बहुत कम है ना हाँ परसेंटेज, 50 है और ये भी बाकी का ठीक है। सबका अच्छा है। नहीं, 50 भी मैं बुरा बोलता हूँ, 70 हाँ से कम हो तो वो बुरा है। हाँ, अच्छा, हाँ फिफ्टी बेटर है ना, 900 मामू नक्टो मामू अच्छा है ना। हाँ हाँ, मगर यहाँ पर तो बहुत ही निगेटिव है ना, यहाँ पर जो 2 के पास, 2 पर, 2 के हाँ पास बहुत नेगेटिव है। बहुत निगेटिव। अब किसी का 6 चल रहा है, मूलांक 6 है क्या, और पर्सनल ईयर किसका है, मूलांक 6 किसका है, मूलांक 6 सर मेरा 9 और 4 है। 9 4, चलो हाँ 9 4 का तो एग्जाम्पल हो गया ना, चलो 9 4 का, ओके ओके, नहीं हुआ ना, 9 मूलांक है, परसेंट ये 4 चल, कितना परसेंटेज सक्सेस होगा, 50%। 30% प्लस माइनस 10%। हाँ, किसी का और का बताइए, सर मेरा 9 और 6 है। 9 9 मूलांक और 6 कितना परसेंट, 6 मतलब कितना हो गया, हाँ जी, 10 to 20 हो गया। तो 10 to 20। सर मैं जब ये 9 के साथ देख रही हूँ तो मतलब हरियर के अंदर ही यही रंग से कमी देश वाली, सिर्फ एक 9 से 9 के साथ में 60 70 आ रही है। अब आपके जीवन में ये उतना सक्सेसफुल हो क्या, है? नहीं, उतने सक्सेसफुल हो क्या? बहुत सक्सेसफुल कह सकती मैं अपने आप को। ओके, बढ़िया है, तो आखिर क्यों है ये, अब ये बोल रही इतना नहीं है तो 10 20% है तो होना चाहिए, ये बोल रही है कि बहुत सक्सेसफुल है, आखिर क्यों हो, ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है?
गॉड नोज। अच्छा, पहले तो ये देखेंगे ये करती क्या है सीमा जी, करती क्या होगा? अभी तो मैं जो अपना सिर्फ LIC के एजेंसी वर्क कर रही हूँ। ओके फाइन, अब किसको पूजा देख कर, उसको किसको किसको मतलब किसको मैं काम करने को अभी इस समय ऐसा हो रखा है कि दिल ही नहीं कर रहा काम करने को बिल्कुल भी। अंदर से तो मेरे अंदर बहुत है काम करने की इच्छा बहुत है, लेकिन जैसे कहते हैं ना हनुमान जी कोई मिलने चाहिए जो मतलब सॉरी जामन जी मिलने चाहिए हनुमान जी को कोई ऐसे कि जो है उनको जगा सके। मेरी ढंग से सिचुएशन हो रखी है, अगर कोई मेरे तो को एक उठाए तो मैं फिर उसके अंदर देर नहीं करती काम करने में। हाँ करंट है, बट सक्सेस रेट क्या है फिर, कमी है ना आपका? हाँ जी हाँ जी, सक्सेस रेट की बात करूँ, ओवरऑल सक्सेस रेट कैसा है आपका, सक्सेसफुल हो, कितने पॉलिसीज कर लेती हूँ? मैं सर मैं कह तो रही मैं बहुत जो है नहीं कर पा रही काम को। हाँ तो मतलब क्या हुआ, सक्सेस रेट कम है ना, जी हाँ वो बोलना चाह रहा। जी हाँ जी, तो चलिए इसको सर हम किस ढंग से मतलब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। यस, बहुत कुछ कर सकते हैं, हाँ सर ठीक मेरा भी 9-4 है, आई एम 100% सक्सेसफुल। लेकिन सर आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं, हाँ आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं सर। यस, मैं बहुत सक्सेसफुल, जो रेमेडी रखे पैरामीटर्स, सक्सेसफुल वी हैव टू काउंट इन व्हाट फील्ड लाइक करियर और मनी। वा नहीं, सक्सेस व्हाट यू नीड इट, आपकी डिजायर क्या है, ओके आपकी डिजायर क्या है? ओके व्हाट अ पर्सन नीड्स इन लाइफ। यस, नीड्स, मेरी नीड्स क्या, उसके अंदर मेरी नीड सक्सेसफुल मर्डर करने की है तो उसमें देखूंगा। समय कोई कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है सक्सेसफुल, उसी में देखूंगा मैं। ओके, आपकी डिजायर क्या है उसमें आएगा। अब आप बोलोगे कि मैं मुकेश तिवारी सक्सेसफुल कंपेयर करूंगी, तो वो नहीं, आपकी क्षमता के हिसाब से, आपकी डिजायर के साथ, आपके कर्म से ज्यादा नहीं मिलेगा, बट कर्म तक पहुंचने के लिए सहयोग देगा। बट याद रखना, कर्म ही प्रधान है, ये सिर्फ कर्म करने के लिए योग है, यदि गलत काम करोगे रेमेडी काम नहीं करते ना, आपको नेचर सपोर्ट देगा। आप इफ यू आर डूइंग ए राइट जॉब तो आपको बहुत चीजें बाय नेचर ही सपोर्ट कर देगा, याद रखें। कभी भी किसी का पॉकेट मारकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते, बन सकते हैं एक दिन, मार नहीं लोगे एक दिन, मार लोगे दूसरे दिन, हमें अपने बलबूते पे ही काम करना। आप बोलो ये पॉकेट मारने में मुझे सहयोग रेमेडी दे दो, वो नेगेटिव देगी, वो रेमेडी काम ही नहीं करेगी। चल अब आप बोलोगे अच्छा बुरा काम करो थोड़ा दान दे देता हूं तो अच्छा काम हो जाएगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको मारेगा ही नहीं। चल अब पर्सनल ईयर निकालना आ गया, टेबल देखना आ गया, अब अपना अपना पर्सनल सक्सेस रेट कितना है अपना अपना समझ में आ गया। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया इसको सभी लोगों ने? यस हाँ जी, कोई एक जना ग्रुप में डाल दीजिए, कोई भी स्क्रीनशॉट लिया है वो ग्रुप में डाल दीजिए, जब ओपन होगा अच्छा जरूर होगा शायद। अच्छा नो, ये समझ में आ गया पर्सनल ईयर का पार्ट नो। अब एक साल कैसा रहेगा मेरा, तो ये जरूरी है कि कई बार क्या होता है मैडम, वो ऐसा होता है कि अपना रोज होता क्या, नहीं होता है ना। अब जब नहीं होता है तो क्या करेंगे, एक साल ऐसे बुरा, सपोज किसी का निगेटिव तो पूरा साल निगेटिव रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, एक आज मूड अच्छा नहीं है तो साल भर ऐसे ही रहेगा मूड, या दिन भर वैसे ही रहेगा नो मूड, तो 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटे के बाद मूड क्या होता है, चेंज हो जाता चेंज है, हो जाता गुस्से वाला शांत हो जाएगा, शांत वाला गुस्से भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, या फिर बैलेंस देके चलेगा। यानी मतलब क्या है, मतलब क्या है, मंथ और सिर्फ डे कर नहीं, सकते। मतलब ये है कि आपका एक साल अच्छा है तो अच्छा जाएगा, नहीं ऐसा, बुरे पल भी आएंगे, अच्छा, और बुरा है तो अच्छा पल भी आएगा, समझना इसे, इसीलिए ओवरऑल रेटिंग है।
कुछ जगह पर क्या होगा, बहुत अच्छा भी आएगा जो रेटिंग है, ओवरऑल रेटिंग है, जैसे होता है ना साइन कर्व होता है ना, ऊपर नीचे जाते रहता है, तो कुछ जगह पर अच्छे आएंगे तो उसको भी कैच कर सकते हो। ओके, तो वो जानना है एक साल बुरा है या अच्छा है, तो एक महीना कैसा रहे, एक साल के अंदर एक महीना कैसा रहेगा, वो जानने के लिए हमें चाहिए पर्सनल मंथ। पर्सनल मतलब पर्सनल, अपना खुद का पर्सनल मंथ। तो कहाँ से स्टार्ट होगा पर्सनल मंथ, आपकी डे ऑफ बर्थ से लेकर नेक्स्ट मंथ के डे ऑफ बर्थ। सपोज इसका अभी, ओके हाँ अभी हमने ये देखा था, तो इसका मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 12 तारीख से, 12 से स्टार्ट होकर 11 तक चलेगा, मतलब कोई भी मंथ के 12 तारीख से स्टार्ट होकर 11 तारीख तक चलेगा। क्लियर है ये? तो एक एक महीना हो जाएगा इसका पर्सनल मंथ है, ये अपना खुद का है, जो जैसे मैंने बोला जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक, ये यूनिवर्सल है। जैसे 1 फर्स्ट मंथ 1 तारीख के मंथ से लेकर 30 या 28 29 30 31 जो भी है, वो क्या है, यूनिवर्सल मंथ है। इसका जो अपना पर्सनल मंथ रहेगा वो रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो पर्सनल मंथ कैसा निकालते हैं, एक मंथ कैसा निकालते हैं, एक मंथ पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, कैसे निकालते हैं। अच्छा, निकालने से पहले ये समझना होगा कि ये मंथ कौन से साल के अंदर है, कौन से साल के अंदर, कौन से पर्सनल ईयर के अंदर है। सब अभी ले लेते हैं, टू यही ले, थाउजेंड नहीं, इसी इसी को एग्जाम्पल को लेते हैं। अब ये इस मंथ, ये मंथ मैं थोड़ा मेट देता हूँ, उसको रफ कर देता हूँ। हाँ जी, अब मुझे इसका जू इसका मे का निकालना है, क्या करना है, मे का निकालना है, इसी का, इसी तारीख का मे का निकालना है। अब मे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए मेरे को। मे का मतलब 12 12/5 5 टू 2023 थाउजेंड 24 टू 11/6 2024, ये पर्सनल मंथ आएगा, ना कि जो आप बोल रही हो। पर्सनल मतलब मुझे मे का निकालना, मे कैसा रहेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मंथ, ये मंथ, ये किसका मंथ है, ये मे का मंथ है, स्टार्टिंग जो है वो है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी जन्म तारीख से, मंथ की जन्म तारीख से लेकर आने वाले एक दिन पहले नेक्स्ट मंथ तक, 5/12/5/2024 आज की डेट, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ईयर की नहीं बात कर रहा हूँ, ईयर की तो सितंबर में है, ये मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ जून मई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मई की बात कर रहा हूँ। और ये क्या है, एक महीना है, बीच में 30 आएगा, 31 आएगा, 28 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं। तो ये क्या है, 12 लेकर 6 तक इसका पर्सनल मंथ है, ये मंथ है। ओके, बहुत सिंपल है, ये मंथ की वैल्यू कितनी है, कौन से मंथ के निकाल रहे हैं हम लोग, मई के निकाल रहे हैं, तो मई के निकाल रहे हैं ना हम, तो मई का नंबर कौन सा हाँ है, 5 5 5 है, तो 5 ले लें। ओके, अब नाउ पी वाई पी पर्सनल मंथ निकालने का फार्मूला है, पी वाई प्लस न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ थोड़ा लिखने मुझे नहीं आता है, यहाँ पर लिख नहीं सकते माउस, पी वाई प्लस न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द मंथ, देखना नोट्स में भी है। तो पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा था इसका भी देखो। और एक चीज है, एक साल के अंदर एक मंथ है, एक मंथ के अंदर वन डे है। अब मंथ तक एक महीने तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से आना पड़ेगा अपने को, पर्सनल ईयर से आना पड़ेगा। तो पहले पर्सनल ईयर लेंगे, पर्सनल ईयर के अंदर पर्सनल मंथ रहता है, पर्सनल डे किसके अंदर रहता है, मंथ के अंदर रहता है। तो पर्सनल मंथ कौन सा है, पर्सनल ईयर के अंदर। तो इस साल का कौन सा चल रहा है इसका पर्सनल ईयर, हमने निकाला लेकिन था।
हाँ 23, 20, 20, 24, 25, कितना चल रहा था इसका, कितना चल रहा था, मैंने निकाला था ना कहीं, निकल गया था। 23 चल रहा है सर इसका, हाँ 20 टोटल निकाल, पीवाई निकालो इसका जल्दी से, पीवाई निकाल के वन बताओ। वन वन यस वन था। अब ये पर्सनल मंथ निकालना है तो जून का क्या होगा, एक। अब न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है इसकी, इस मंथ की 5 है तो 5, तो पर्सनल ईयर कौन सा, पर्सनल मंथ कौन सा चल रहा है, 6 चल रहा है। ओके अब 6 वही टेबल में देखो वापस, इसका 1 और 6 कैसा कॉम्बिनेशन होगा, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, जो भी मैंने टेबल दिया था कौन सा टेबल, यही टेबल। सब ग्रुप में भी डाल दिया है, हाँ जी डाल दिया, 91 है। 1 और 6 के 91% है, यानी 90, 82, 100% सक्सेस, मतलब जो भी काम करेगा उसमें सक्सेस, पर कौन सा काम करेगा तो सक्सेस होगा। सर इसमें एक डाउट है। अरे रुको रुको, ओके इसमें कौन सा काम करेगा तो डाउट वो सक्सेस होगा, मतलब एक एक स्कूल के अंदर 5-6 क्लासेस होती हैं रोज, 5-6 कितनी होती है मुझे याद नहीं है। ओके अभी किस हिसाब से, तो जब मान लेते 6 क्लासेस। ओके अब स्कूल के अंदर, स्कूल के टाइम के अंदर 1 घंटा मैथ की क्लास, 1 साइंस की है, तो वो 1 घंटा किसका है, उस साइंस का है, मतलब क्या है उसको क्लास को कौन कंट्रोल रख रहा है, कौन कर कंट्रोल, वो क्लास जो साइंस की टीचर है वो कंट्रोल रख रही है, जब मैथ का टाइम आएगा तो मैथ टीचर कंट्रोल रखेगी बच्चों को। ओके समझ में आया, तो अब 1 साल के अंदर 1 महीना है तो वो महीना कंट्रोल रखेगा उसको, वो 1 महीने तक ही, तो कैसे कितने मंथ आएंगे 1 साल के अंदर, 12 पर्सनल मंथ आते हैं। ओके एक पर्सनल ईयर के अंदर 12 पर्सनल मंथ होते हैं। पर्सनल मंथ निकालने के लिए किसमें आना चाहिए, पहले पर्सनल ईयर और फिर न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द मंथ, मंथ की वैल्यू कितनी है बोले, सपोज 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2, 3 है 3, 4 है तो 4, 5 है 5, 9 है तो 9, 10 के बाद 1 आएगा, सिंगल डिजिट पे करना है अपने को, 11 के बाद 2, 12 को 3 आएगा, तो पर्सनल ईयर में वो मंथ की वैल्यू ऐड करना। ओके तो सपोज दिसंबर में तो क्या हो जाएगा इसका, सितंबर में क्या हो जाएगा, सितंबर आएगा क्या पर्सनल मंथ, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा, ये 12 तारीख को किसका रहेगा, ये 12 तारीख को किसका रहेगा, ये तो ये कौन सा पर्सनल मंथ रहेगा इसका, देखो पर्सनल मंथ ये अगस्त से लेकर सितंबर तक ही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट किसका है, अगस्त का है, तो अगस्त का आएगा, तो 2024 के बाद 24 पर सॉरी 23 में उसका एंड क्या हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट जब 24 का आएगा तब जाकर सितंबर का आएगा पर्सनल मंथ, मगर ये अगस्त का ही एंड, अगस्त के साथ ही एंडिंग हो जाएगा क्योंकि मंथ जो एंडिंग है वो यहां से है। ओके अब पर्सनल ईयर कैसा था हमने देखा, पर पर्सनल मंथ कैसा है, कैसे देखेंगे सक्सेस रेट, वही सक्सेस रेट है जो अभी हमने देखा, वही टेबल है ना, पी वाई पी एम, पी 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 वाई है, पी एम मतलब पर्सनल मंथ, पी डी यानी पर्सनल डे, एक दिन कैसा रहेगा मेरा, मतलब एक आज इस मंथ के अंदर एक पर्टिकुलर डे कैसा रहेगा मेरा, आज का दिन कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा मेरा, आज का दिन कैसा रहेगा, कैसे जानेंगे, वो जानते हैं हम पर्सनल डे से जानते हैं। ओके उसको कल देखते हैं। हाँ जी कुछ डॉक्टर पूछ लीजिए, हैंड राइज कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी अजय जी, हाँ सर, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी है, तो अभी ये सारे मंथ का तो निकल जाएगा, बट जब ईयर 2025 आएगा तो वो चेंज हो जाएगा ना फिर। तो उस टाइम पर्सनल ईयर चेंज हो जाएगा ना, पर्सनल ईयर भी चेंज हो जाएगा, पर्सनल मंथ भी चेंज हो जाएगा ना। हाँ तो उसके हिसाब से पर्सनल ईयर भी चेंज करना है यस और यस मंथ भी उसके हिसाब से चेंज यस करना यस, क्योंकि पर्सनल ईयर के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा है, है। पर्सनल ईयर एक डब्बा है, उसके अंदर वो मंथ उसके अंदर सब डब्बा होगा ना, अलग छोटा डब्बा होगा ना,
हाँ न्यूमेरिक वैल्यू तो वही चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती हाँ है, ओके, 1 2 3 4 5 वो फिक्स। ये ओवरऑल मंथ रहेगा ना, ये जो प्रिडिक्शन आएगा वो हाँ ओवरऑल मंथ का जो प्रिडिक्शन यस आएगा ना यस ये, यस 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 क्योंकि अभी ये मेरा मई का तो नेगेटिव आ रहा है, 8 आ रहा है। हाँ जी। रेखा जी मैम, सर हाँ जी हाँ सर, जैसे भाग्यांक में ये हमारा पर्सनल ईयर में भाग्यांक चेंज हो जाता है ना, तो हमारा लोशो ग्रिड भी फिर चेंज हो जाएगा, यस लोचो ग्रिड चेंज है, तो पर्सनल ईयर का लोचो ग्रिड बनेगी। तो मतलब वो फिर हर साल मतलब आपका अकॉर्डिंग टू ग्रिड द हाँ ओके। वो कल बताऊंगा, पर्सनल ईयर कैसे कौन सा भी डाल डालते हैं। सिंपल अभी बता देता हूँ, आप सपोज इसका पर्सनल ईयर चल रहा है ना, 1 चल रहा है, तो इसके ग्रिड में नटल चार्ट के अंदर 1 डाल देंगे, ओके तो वो एनालिसिस होगी, वो पर्सनल ईयर 1 साल के लिए एनालिसिस होगी उसकी, पर्सनल सेम एनालिसिस होती है, जो कॉम्बिनेशन लिखाया सब लिखाया वो सभी कॉम्बिनेशन आएंगे, बट उसमें एक नंबर ओके कम ज्यादा होता है। अब सर सपोज एक एक रिक्वेस्ट। बार सब सपोज इसे ग्रिड के हाँ अंदर ऑलरेडी 2 बार आ रहे थे, वन अभी एक और एक आ गया पर्सनल ईयर का इसकी लड़की के अंदर डेट ऑफ बर्थ में, तो उस टाइम पे क्या तो 3 आ जाएगा, 3 के प्रभाव दिखाई देंगे। ओके हाँ सर, कल थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा जो लास्ट वाला ये अभी जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा और दो एग्जांपल लेके थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कौन सर। सा कौन मैं सा कोशिश करूंगी कि ये कौन जो हमारा सा पर्सनल मंथ वाला जो है ना, थोड़ा सा वो मुझे मतलब मैं भी प्रैक्टिस करूंगी उसको, हाँ दो जी एक दो लेके फिर हाँ देन जी सी कि हम थोड़ा सा। हाँ जी एक बार वीडियो देख लेना। हाँ जी नवीन जी राधे राधे सर। हाँ जी राधे राधे सर जैसे मेरी ग्रिड में क्या होता है कि मेरे पास 9 9 5 और नीचे 1 है, अगले साल जो मेरा पर्सनल ईयर होगा उसमें 1 आ जाएगा, तो मेरे पास 9 9 5 1 होगा, तो ये कुछ हाँ अच्छा सिस्टम है? अच्छा हो बुरा हो नहीं है, हत्या आपके पास है तो उसका खेलना आना चाहिए। तो मतलब डबल डबल हो जाएगा ना पूरा एक प्लेन में, डबल डबल सब कुछ, हाँ तो थोड़ा कम्युनिकेटिव हो जाओगे आप आने के साथ। वो मुझे चाहिए एक्चुअली। हाँ तो वो कल देखते हैं उसका, जब रिपीटेशन ऑफ नंबर आएगा ना, मिसिंग नंबर रिपीटेशन नंबर जब देखते हैं, अभी टॉपिक नहीं हुआ ना रिपीटेशन ऑफ नंबर का, जी थैंक वो मोस्टली कल होगा। यू सर। हाँ जी सीमा जी सर, ये अकल्ट फील्ड हम लोग ले सकते हैं? जैसे मेरा 9 नंबर है, 9 और 2। वो अभी कल कल बात करें, सो कल बात, थैंक यू सर। कल इम्पोर्टेंट डे है, आने वाले कोर्स के बारे में भी आपको फिर जानकारी दूंगा। हाँ जी विकास जी जी गुरु जी, मेरा सवाल था, जैसे मेरा विकास जी तो मेन ग्रुप में ही। हाँ जी चलो जी मेरा सवाल था, मेरा मूलांक 8 है और मेरा जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 4, तो उसका जो इवेंट सक्सेस फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 99 का, तो मैं हाँ ये जानना चाह रहा था कि 8 और 4 वैसे तो एंटी है, तो फिर सक्सेस फैक्टर 99 पे कैसे आ रहा है। नहीं। वो निगेटिव भी दे सकता है, ग्रिड के अंदर सपोर्टिव नंबर नहीं है तो निगेटिव भी दे सकता है, बट ये एंटी है, जरूरी नहीं है एंटी है, ये टेम्पररी है ना, ये परमानेंट नहीं है ना, मूलांक भाग्यांक क्या था, परमानेंट रिलेशनशिप है ये, जी टेम्पररी रिलेशनशिप, इसीलिए ओके, ये टेम्प्रेरी की वजह से आ रहा है। यस ये जी इसको ना आने वाले शनिवार को जो क्लास होगी शाम की ना उसमें पूछना, जी ये ठीक स्पेसिफिक पूछना, मुझे रोक कर पूछना, याद से ठीक पूछना ताकि लोगों को पता चले क्यों आ रहा है, ठीक क्योंकि टेम्पररी रिलेशनशिप है ना, 8 साल का क्या है, परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और जी पर्सनल ईयर क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है ना, जब जी मूलांक जी भाग्य हम परमानेंट लाइफ लॉन्ग चलेंगे ना, जी 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 इसीलिए जी ठीक है, थैंक अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। हाँ जी यू। हो गए जितने क्वेश्चन पूछो उतना आंसर देंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना इजी है, क्वेश्चन आंसर से ही सब सीखते हो, जितना एंडिंग तक टिकोगे उतना आंसर, ये यूनिक आंसर, कोई यूनिक क्वेश्चन था। हाँ मीना चलो जी जी सर, मुझे पूछना था कि जैसे अभी मेरा बर्थडे जुलाई में होगा 2nd को, तो मेरा 8th पर्सनल ईयर चालू हो जाएगा 2nd जुलाई को, तो जो उसमें पूरा इसमें चार्ट में आ रहा है इट इज नेगेटिव, तो होल ईयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और पर्सनल मंथ के हिसाब से सम मंथ्स
few months would be really good. Yes, some month may be best of your career, whole life. जरूरी नहीं है. आपका मूलांक क्या है? टू. टू और एट का कॉम्बिनेशन क्या है? या इट इज नेगेटिव. एक बार उसमें देखना कितना परसेंटेज. परसेंट. सो इसमें नेगेटिव में ही आ रहा है ये पर्सनल ईयर और इसमें. एक मिनट. तो निगेटिव का मतलब है जो भी काम करोगी वो सब निगेटिव होगा. नहीं, सब कुछ अच्छा चलते चलते सडनली गाड़ी गाड़ी पंचर होगी. ओके. सब कुछ ये संभल के पूरे रहना. साथ में रहेगा सर के. ओवरऑल ओवरऑल इंपैक्ट करेगा. ओवरऑल अनहैप्पीनेस होगा निगेटिव. बट कुछ मंथ जो है वो अच्छे भी आते. हाँ वही जानना चाह रही थी हाँ, कि वो देयर उस माइट बी फ्यू मंथ्स दैट वुड रियली बी गुड. इवन यस वेरी गुड. That can be determined from the personal month. ओके ओके ओके. या दैट्स व्हाट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो ना सर. या हाँ जी. तो वो पर्सनल मंथ कैसे कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, और फिर डिटेलिंग करते हैं. ओके थैंक यू सर. हो गया जी डाउट्स घर पे. जी सर. चलिए जी, केसेस काम कीजिए. केसेस नहीं काम करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा. एक कहानी राम कहानी सुन के चल जाओगे. बस दो चार अक्षर सीख लोगे, समझोगे कि अपने आप को नॉलेज से आपने सॉल्व करोगे. कुछ भी नहीं, सब निगेटिव जाएंगे. जब तक आप खुद पे काम नहीं करते हो तब तक कुछ भी नहीं होता है. और नंबर को अपने पर लगा के देख. अजय जी अजय जी अनम्यूट. सर एक और चीज था, ये जो अपना भाग्यांक है उसके जो एट्रीब्यूट है उसको हमें कंट्रोल करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं? मीन्स मेरा भाग्यांक 4 है, वो चेंजेबल है, बट उसको उसके एट्रीब्यूट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मीन्स पॉजिटिव में हमें बेनिफिट है. हाँ, वो देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे उसको. जैसे आपकी गाड़ी, सबको एग्जांपल, आप कोई किसी की गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो पंक्चर परमानेंट हो जाती है. तो पैच लगाते नहीं लगाते हो? अभी तो चलो ठीक है, ट्यूबलेस आ रहे हैं. चलो ट्यूबलेस में भी तो रिपेयरिंग करनी, वो करना पड़ता है ना. पहले सपोज साइकिल थी हमारी, पंक्चर हो जाती तो क्या करते थे? छोड़ देते कि ट्यूब को, टायर को, गाड़ी को छोड़ देते क्या? नहीं, उसको पंचर करवा देंगे. बस उतना ही है, वो पैच लगाना पड़ता है ताकि आपकी उसके हवा नहीं. समझ आ गया रेमेड का मतलब क्या है? हाँ सर. चलिए, कैसे लगी क्लास आज की? तो वीडियो ऑफ है सर आपका. हाँ जी, कैसे क्लास कैसी कैसी लगी आज? कुछ सीखा नहीं सीखा? बहुत हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया था. मतलब क्या बढ़िया था. अब खुद का प्रिडिक्शन हो सकता है, जो नंबर्स हैं उसका उसके ऊपर अच्छे से काम कर किया जा सकता है. मतलब कोई अगर मिसिंग है, जैसे आप कुछ बोल कॉम्बिनेशन जो आया उसके ऊपर खुद का बिहेवियर चेक कर रहा था मैं, तो पता चलता है. तो उसी तरह हमारा फैमिली का भी पता चल सकता है, जैसे कुछ कुछ का बिहेवियर कैसा है उसका. जैसे मेरा पिताजी का डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे थे. मिल रहे थे ना. हाँ, पता लग रहा था कि ये बिहेवियर है, कि मेरे कुछ दोस्त हो गए तो उनका पता लग रहा था. जैसे ईयर आ गया, जैसे मैं एक देख रहा था 4 और 8 नेगेटिव है, मेरा मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है. तो मैं सोच रहा था अगर 4 और 8 होगा तो मेरे लिए नेगेटिव होगा. जब सक्सेस रेट आया, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो 2022 में मुझे मेरा 8 आ रहा था पर्सनल ईयर, तो उसमें मुझे जो सक्सेस रेट था 99% था. उस समय मुझे जॉब लगा था, तो ये सारा मैं चेक कर रहा था उसमें. तो सक्सेस रहा ना आपके लिए. हाँ उस साल अच्छा था. वही अभी बट आप जो जो बोल विकास जी को बोला ना, टेम्पररी रिलेशनशिप, वही परमानेंट रिलेशनशिप होता तो प्रॉब्लम वो क्रिएट करता नेगेटिव होगा. होता. निगेटिव होता, हाँ ओवरऑल निगेटिव हो जाता. और जो आप ऑप्स एंड डाउन्स बोले ना, वो ही वो सब कुछ होता है. 99% होने के बाद भी ऑप्स एंड डाउन्स रहता है पर मंथ के हिसाब से. यस. क्या आपने कभी साइकिल चलाई होगी ना, हाँ तो पहले रोड नहीं होती थी पता है आपको? बचपन में आपके आपके टाइम पे, तो हमारे टाइम पे रोड भी नहीं होती थी प्रॉपर. हम उस पर चलाते थे खाली कंक्रीट रोड, टार रोड नहीं होते थे हमारे एरिया में. वो 5 साल के बाद आ रहे हैं.
वो कंकर की रोड डाल देते, मिट्टी डालते डाल देते, हाँ उस रोड पे चला है। नहीं जो चलाते तो क्या होता है मतलब दूर 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 को अपना वो होता है मन में, वैसा हाँ वैसा होता है अप्स एंड डाउन, मतलब थोड़ा ऊपर गया अच्छा गया अच्छा आया ऊपर, मार लगते रहते हैं। तो आप क्या है शांत से नहीं चला सकते, टेंशन में चलाना पड़ता है स्कूटर साइकिल, समझ में आया, ये होता है। चलिए जी, तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ उसको, एक बार जरूर पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग सुनिए तभी जाकर दिमाग में बैठेगा, नहीं तो सास कभी बहू थी, बहू कभी सास थी, घर घर की कहानी की जो सुनते हैं ना अपन टीवी में देखे उतना ही समझ में आया है। सर अब जो आपकी रोजाना हम लोग ये देख रहे हैं ना, तो अब पता चल रहा है कि जो है कितने डिब्बों के अंदर डिब्बे फंसे हुए, हमें कुछ पता ही नहीं। हम तो यही सोचते थे कि भाई मुगलांग और भाग्यांग, उसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं होता। अरे बहुत कुछ है न्यूमरोलॉजी, मैंने पिछले दस मैं साल कुछ कह रहा है ना, इन्हें कह रहा है भैया जो अपना शास्त्र भी, अंक शास्त्र जो आप बता रहे हैं न्यूरोलॉजी, बहुत कह रहा है ये भी। तो पिछले मैंने आप 10 पहले आया मैं, हाँ पिछले 10 साल में मैंने 100 साल का टाइम लगाया इसके, हाँ अच्छा बहुत रोज के सर आप 18 लगा हाँ रहे हैं, बोल, थैंक यू। मैं हाँ जी कहा आप हमारे साथ भी इतना टाइम लगा रहे हैं, आपको थैंक यू। वेलकम जी वेलकम जी। चलिए जी तो आज यहाँ समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल शाम को 7:45, 5-10 मिनट इधर हो सकता है, जैसे आज जो रोज जनरली कभी नहीं सोचता हूँ बट आज बहुत नहीं, बट क्या है कई बार कल वास्तु के विजिट जाएंगे सुबह, तो आने में 10 मतलब टाइम तो है कि 2 बजे तक आ जाऊंगा यहाँ, फिर आके 1 घंटा सुनना पड़ेगा, पर नहीं कभी कभी क्या होता है बट तो सोचते हैं वहां पर काम वो टाइम लेंथ हो जाता है, ये ट्रैफिक सिग्नल 5-10 मिनट इधर उधर होता है तो वेट करूंगा। चलिए चलिए, सबको नमस्कार सबको नमस्कार, सबको नमस्ते राधे गुरु राधे जी, राधे राधे, प्रणाम सबको जी, राधे राधे राधे, धन्यवाद सबको जी, राधे जय हिंद सर, थैंक राधे यू सर, राधे राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे।